Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, good morning. Meri morning mein bahut bahut khush aamdeed. Kaise hain aap sab? Umeed hai theek thaak honge, khair khairiyat se honge, apne pyaron ke saath honge, sehatyab honge. मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, उन इलाकों में नहीं फंसे हुए होंगे जहां पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है इस साल. हर साल ही वैसे कहीं ना कहीं से हमें इस तरह की खबर आती है, लेकिन इस साल इस्लामाबाद में मेन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि पानी जमा हो रहा है. मैं भी जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, और जब नई कंस्ट्रक्शन होती है तो सीम्स के लिए या जो भी वो बीम्स वगैरह होती हैं उसके लिए खुदाई होती है, और उसकी वजह से जो है कहीं वो नीचे डिस्ट्रप्शन हो गई है और ढेर सारा पानी जो है वो हर जगह जा रहा है. इट्स वेरी वेरी डेंजरस. मैं दोबारा आपको बताऊँगी कि अगर आपको कहीं पर भी दीवारों में सीपेज नज़र आती है, पानी नज़र आता है, तो देखिए वो कहीं भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो जितनी भी वायरिंग शायरिंग हुई भी है उसमें जा सकता है और बहुत ख़तरनाक हो सकता है. तो इस मौसम में आपने बहुत मुहतात रहना है. एक बात मुझे समझ नहीं आती, आजकल की जो बारिश है बड़ी सिलेक्टिव हो रही है, कुछ जगहों पर हो रही है, कुछ जगहों पर नहीं हो रही है. और कल मैंने सोचा कि या तो मैं सोती रह जाती हूँ, ये क्या मसला है कि मुझे जो है ये बारिश अभी तक नज़र नहीं आई. तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी, बड़ा प्यारा सा मौसम जो है वो हो रहा था, और टेम्परेचर के लिहाज से तो प्यारा ये कभी नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इतना ज़्यादा जो है नमी है कि वो जितना मर्जी बारिश हो जाए आपको लगता है बस चिप 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 हो रही है. तो मैंने खिड़की खोली और बैठ के इंतज़ार करती रही. मैंने कहा अभी बारिश होगी, अभी बारिश होगी, और यकीन करिए कि मैं 5 मिनट के लिए शायद किचन में गई, और किचन से जब मैं वापस आई तो मेरी टेरेस बिल्कुल गीली थी और हर जगह जो है मुझे लग रहा था जैसे बारिश हुई थी, लेकिन उस वक्त बारिश जो है वो नहीं हो रही थी. तो मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या चक्कर है. और बारिश जैसे ही रुकती है जो एक हब्स उठती है वो भी एक बड़ा ही अजीब सा है. बस दुआ करें कि खैरियत की बारिश हो, खैर की बारिश हो, और ये मौसम जो है ये चिपचिप वाला है, गर्मी वाला है, जो गंदा नमी वाला मौसम है, ये खैरियत से गुजर जाए, जल्दी गुजर जाए. और पानी पीना ना भूलिएगा, पानी आपने ज़रूर पीना है. आज फिर से मैं आपको एक वाक्या सुनाने जा रही हूँ जिसके अंदर एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं. मैंने दो इस तरह के वाक्यात सुने थे, एक मैं आपको आज सुनाती हूँ, दूसरा भी शायद साथ में रिलेट हो जाए. तो एक कारपेंटर होता है और वो जो है पूरी ज़िंदगी लगा देता है घर बनाने में, पैसे जैसे कमाने होते हैं तो काम भी सही होता है, बड़ा उसकी स्किल मानी जाती है कि बड़ा ही अच्छा कारपेंटर है, और हर जगह उसको बुलाते हैं, बहुत सारा उसको काम मिलता है, और वो बड़े दिल से काम करता है, क्योंकि हर दफ़ा जो है उसको पता होता है, इंसेंटिव होता है, क्लाइंट जो है पैसे नहीं देते गलत काम हो, तो बड़ी मेहनत से जी सारे काम करता है. तो एक दिन उसको पता चलता है कि अब रिटायरमेंट की एज आ गई है और वो रिटायर हो रहा है. तो जिस क्लाइंट के लिए उसने बड़ा अरसा काम किया होता है उसी की एक आखिरी चीज़ होती है जो उसने बनानी होती है. तो वो क्या करता है, वो कहता है चलो अब कौन सा, मैंने रिटायर वैसे ही हो जाना है, आखिरी कॉन्ट्रैक्ट मुझे वैसे ही मिलना है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. तो वो जो आखिरी घर होता है ना उसके ऊपर बिल्कुल मेहनत नहीं करता, अच्छा खासा बड़ा खूबसूरत सा घर होता है, लेकिन वो ना बस टेढ़ा मेढ़ा करके जल्दी जो चीज़ रहेगी गंदा मटीरियल यूज़ कर लिया, जैसे मर्जी हो गया, तो वो बना के फारिग कर देता है. और जो है वो क्लाइंट को कहता है काम जी मुकम्मल हो गया, वो कहता है मैं आराम से जो है ना ऐश करूँगा पूरी ज़िंदगी काम करके, मेरी रिटायरमेंट होगी. तो वो जो क्लाइंट होता है वो उसको बुलाता है एक दिन अचानक से, और वो कहता है कि पता नहीं किस लिए बुला रहे. तो वो जाता है वहाँ पे और वो क्लाइंट उसे कहता है कि तुमने पूरी ज़िंदगी मेरे लिए काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, और मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पे बैक करूँ किसी तरीके से, तो ये जो तुमने आखिरी घर बनाया है ये मैं तुम्हें ही देना चाहता हूँ. तो वो एकदम परेशान हो जाता है कि ये क्या, पूरी ज़िंदगी मेरे पास जब इंसेंटिव था तो मैंने इतना अच्छा काम किया, और ये आखिरी काम के अंदर जो मैंने थोड़ी सी कोताही कर दी, जो काम चोरी कर दी, यही मेरे पल्ले पड़ गया, और वो जो घर था जो उसको पता होता है कि उसने किस तरह बनाया और वो कितना नाकार है वही उसको मिल जाता है. इससे हमें दो चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती तो बहुत सारी चीज़ें अगर थोड़ी सी अक्ल लगाएं, लेकिन दो चीज़ें जो बड़ी वाज़ह हैं. एक ये कि हमेशा काम जो है वो आपको दिल लगा के ईमानदारी से और ये सोच कर करना चाहिए कि ये मेरा काम है, इसके अंदर मैं कोई भी जो है कोताही नहीं कर सकता, इसके अंदर मैं कोई वो कहते हैं ना डंडी नहीं मार सकते आप, कि ये सिर्फ इसलिए मैं सही करूं कि ये किसी ने मेरी पूछ पूछ करनी है, ये किसी ने देखना है. अल्लाह ताला भी चीज़ें देख रहे होते हैं, और अपने काम के अंदर काम चोरी करने वाले जो हैं अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं पसंद. तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो दयानतदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से वो काम पूरा कीजिए, ना सिर्फ इसलिए कि आप पकड़े जाएंगे और आपके साथ बुरा होगा, बल्कि अपनी जिम्मेदारी जो है उसको समझ के. दूसरी बात ये कि हम जब भी अपने लिए कुछ सोचते हैं, दूसरों के लिए जब इंसेंटिव हो उसके अंदर भी हम जो है ना थोड़ी सी डंडी मार जाते हैं कि अच्छा यार कोई बात नहीं, ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन अपने लिए जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हम थोड़े से और पैसे भी लगा देंगे, लेकिन हमें होगा कि काम सही हो,
चीज अच्छी हो, चीज पूरी हो और हम अपने लिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब दूसरों के लिए करते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसा वैसा हो भी जाए तो कोई बात नहीं। तो वो कहा जाता है ना कि आप दूसरों को भी जब कुछ देने का सोचते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, हम लोग एक कैंपेन पे काम कर रहे थे जब फ्लड्स आए थे, तो उसके लिए कपड़े इकट्ठे करना, वहां पे ऑब्वियसली लोगों के पूरे पूरे घर तबाह हो गए थे, तो उनके पास कुछ पहनने को नहीं था और बड़ी सर्दियां थी, तो कपड़े इकट्ठे करना, साथ में बॉटल्स, घर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, खाना शाना जिसमें पकाते हैं, बोतलें होती हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके उनको भेजनी थी। तो यकीन मानिए हमारे पास जो सामान आता था वो कपड़े में देखती थी, वो किसी रद्दी वाले को भी अगर आप दो ना तो आपको 2 रुपए भी ना दें उन चीज़ों के, इतनी उनकी बोसीदा हालत होती थी, इतने वो पुराने होते थे। और मैं बड़ी कोशिश करती थी, बड़ा हम लोग ये बताते थे लोगों के, आप हमें वो कपड़े ना दें जो आप कूड़े में फेंकने जा रहे हैं, आप हमें वो कपड़े दें जो आपको पता है कि किसी और इंसान ने इस्तेमाल करने हैं, उसने पहनने हैं, वो भी जो है मतलब कोई सिस्टम नहीं होता है कि किसी को ये वाले कपड़े दिए जाएं तो ये वो डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। आप जब भी किसी और के लिए कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो जब आप अपने रिश्तेदारों में गिफ्ट गुफ्ट देते हैं तो बड़ा सोच के देते हैं, नहीं इसका दे दूँ, उस ब्रांड का दे दूँ, वरना वो क्या बात करेगी। लेकिन जब आप किसी साहिब इस्तेताद इंसान जो नहीं होता उसको कुछ दे रहे होते हैं तो आप सोचते हैं बस मेरा इसके ऊपर कर्म है कि मैं इसको कोई एक चीज़ भी दे दूँ। तो ज़रा सोच समझ के वो चीज़ जो आप अपने लिए पसंद करेंगे वो साफ़ हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रांडेड हो, बहुत महंगी हो, वो साफ़ सुथरी हो, वो बिल्कुल इतनी पहनी ना गई हो कि वो फट फुट चुकी हो, वो थोड़ी सी जो है वो नई हो, वो साफ़ हो, वो इकोनॉमिकल हो, वो ऐसी हो कि जब आप ख़ुद भी उसको पहने तो आपको बुरा ना लगे। तो जब ये चीज़ें आप करते हैं तो प्लीज़ इसका थोड़ा सा ख्याल किया करें, ताकि वो एड जो है ना वो एक बोझ बन के आगे मत जाओ। वो सारी चीज़ें मैं आपको सच्ची बात बताऊँ सब फेंकनी पड़ती हैं, कोई भी चीज़ आगे नहीं जाती, कोई वो आपको जो है ना उसका फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ आप अपनी रद्दी जो है वो निकाल रहे होते हैं। तो सोच समझ के ये काम करना चाहिए। इसी से मुझे एक और बात याद आई, मैं कल कहीं पढ़ रही थी कि एक साहब होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट सा विलेज होता है, और उसके अंदर जो एक साहब होते हैं वो अपने बच्चे को कहते हैं, मतलब द बिगिनिंग ऑफ ईविल की बात थी और द बिगिनिंग ऑफ गुड की बात थी, तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम जाओ मार्केट में और सॉल्ट लेके आना है। हाँ एग्जैक्टली याद कर रही थी, क्या है नमक उसने लेकर आना होता है, और उसने कहा कि बहुत ज़्यादा पैसे भी इस नमक के मत देना और बहुत कम भी इस नमक के पैसे मत देना। तो वो जो बेटा है वो कहते हैं बहुत कम मतलब बहुत ज़्यादा पैसे में किस तरह वो करूँगा, तो उसने कहा थोड़ी सी हैगलिंग करके उससे बात करके तो जो उसका मुनासिब रेट है उस पर तुम जो है सॉल्ट ले आना। तो जो बाकी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं वो उससे पूछते हैं कि मतलब अगर कोई इंसान के अंदर स्किल है ज़्यादा हैगल करने की और वो रेट बहुत कम कर सकता है किसी चीज़ का, तो वो कम पैसों में क्यों ना ले, मतलब ज़्यादा पैसे ना देना तो तुक बनती है, लेकिन इतने कम पैसों से आप उसे क्यों मना कर रहे हैं कि कम पैसे देकर क्यों नहीं लाना। तो वो कहते हैं कि एक इंसान जो आपको एक एक्चुअल चीज़ की कीमत होती है उससे कम कीमत पर कोई चीज़ दे दे तो वो मजबूर है, और अगर उस मजबूरी का आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो इंसान जो कभी दयानतदार था, जो कभी ईमानदार था, वो कल को खोट करेगा। जब उसको पता होगा कि यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो बहुत बहस मुबाहसा करते हैं, जिनको मैं जितना मर्जी बता दूं कि ये मेरी खरीद है, तो उसके बाद भी चाहते हैं कि मैं उससे सस्ती दूं, तो वो उसके अंदर चीज़ें मिलाना शुरू कर देगा, वो उसकी क्वालिटी ख़राब कर देगा, वो अपने लिए उस चीज़ को सस्ता करने की कोशिश करेगा ताकि वो आपकी डिमांड्स को मीट कर सके। तो जब आपको और जब एक इंसान ऐसा करना शुरू होगा कि वो किसी मजबूरी से फ़ायदा उठाएगा किसी का, बाकियों को भी पता चलेगा। हम होते हैं ना, हम किसी को बताते हैं तुमने इतने के लिए, मैंने तो इतने की ली थी, तो अगली दफ़ा वो डबल बहस जाकर करते हैं। तो ये एक इंसान की एग्जांपल अगर हम इग्नोर कर दें तो वो बुराई जो है वो माशरे में बढ़ती जाती है, उसकी वजह से वहाँ पर मिलावट आ जाएगी, यहाँ पर हैगलिंग आ जाएगी और चीज़ भी ख़राब होगी और उस इंसान की कमाई जो है वो भी हलाल नहीं होगी। तो एक छोटी सी बात होती है, वहाँ से हम चीज़ स्टार्ट करते हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो जिस तरह मैंने आज की बात स्टार्ट की, कोई भी काम जब भी करें तो सिर्फ ये समझ के नहीं कि अगर मैं यहाँ पर दुनिया में पकड़ा जाऊँ या दुनिया में अगर मैं बेइज्जत हो जाऊँ तो बहुत बुरी बात होगी, आखिरत का भी सोचिए, आगे भी जाके हिसाब देना, और ये भी जो है ना ईमानदारी होती है, ये भी आपका ज़मीर जो है अगर जागा रहे तो आपको इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरह की कोई जो है कोताही करें किसी भी काम में। आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँ, हमारे साथ होंगे किरण उस्मानी जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं, फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे और आपको एक्टिव करेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर शजली मंजूर जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और आप किसी भी एज़मा पेशेंट से इस्लामाबाद के पूछ लें तो उनका एक विजिट इनके पास ज़रूर हो चुका है, मेरे कई सारे हो चुके हैं। तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर शजली मंजूर, आपके कोई भी एज़मा से रिलेटेड, एलर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ होंगे शेफ़ वसीम जो कि बना रहे हैं स्प्रिंग चिकन विद मशरूम सॉस सर्व विद सॉल्टेड वेजिटेबल्स। ये भी बड़े मज़े की होगी, मशरूम सॉस आपको बनाना सिखाते हैं, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉसेज। और हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आसिफ अली, वाइस चांसलर मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान पाकिस्तान, और बात हम आज करने जा रहे हैं एक बहुत बहुत बहुत
इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है कि आप अपने आप को, अपने मुल्क को सेफ कैसे रख सकते हैं, और एक बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको इस तरह की एक्टिविटी नज़र आ रही हो जो मशकूक हो, उसको आप रिपोर्ट किस तरह कर सकते हैं और कैसे अपने आप को भी सेफ रख सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। आपसे मेरा सवाल क्या है जी? अरे ये इसका तो मैं भी जवाब दे देती हूँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहस ज़्यादा ख़वातीन करती हैं या मर्द हज़रात करते हैं? इसका प्लीज़ मुझे कॉल करके आज जवाब दीजिए। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आप साथ। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है किरण ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी अच्छी लग रही हैं आप आज। थैंक यू। माशाल्लाह, वेरी ऑरेंज, वेरी ब्राइट है ना। यस। क्या करने जा रहे हैं आज? आज आर्म एंड शोल्डर एंड आल्सो टमी। टमी। अच्छा, मेरे पास एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई, मेरी अपनी रिक्वेस्ट भी है। ओके। कि अगर आप अपना आइडियल वेट रीच कर जाते हैं, बहुत स्किनी लोग होते हैं ना, उनको होता है वेट गेन करना है, गेन करना है, लेकिन आप अगर वो गेनिंग वाली डाइट कर रहे हैं साथ में आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो बड़ा बेढंगा सा वेट गेन हो जाता है। नहीं हो जाता है, बड़ा बेढंगा वेट गेन हो जाता है। तो अपनी बॉडी को टोन रखना या उसी, मतलब अगर आप अपने आइडियल वेट रीच कर गए हैं जी, उसके बाद उसी वेट पे रखना कि आप उसे लूज भी ना करें। हाँ। और मजीद गेन भी ना करें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने गाड़ी का पता है कि चार व्हील है, उसके चार टायर है ना, तो विदाउट टायर गाड़ी नहीं चलती, राइट? ऐसे एक्सरसाइज भी ऐसे ही है, जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे बॉडी कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, जैसे मैं हूँ, अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एक वेट पे आ गई हूँ जहाँ पे मुझे कि बस अब मैंने इधर रहना है, इधर रहना है, ठीक है, मैंने इससे नीचे नहीं जाना। लेकिन मैं अगर एक हफ्ता भी जिम जाती हूँ तो मेरा वेट जो है वो नीचे आ जाता है। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, तो वो नीचे नहीं लाने के लिए क्या करें फिर साथ? नीचे देखो, अगर आप नीचे नहीं लाते, उसको ये करते कि अपना डाइट वो ऐसा रखो, मतलब अपनी कैलोरीज इनटेक ऐसा रखो जितना आपको चाहिए, ठीक है। यू हैव टू गोइंग फॉर द मेंटेन, उस वक्त आपको डाइट की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आपके वेट हमेशा गिरते हैं डाइट से, लेकिन जो बॉडी शेप अप आते हैं, बॉडी को मेंटेन रखनी होती है, बॉडी को एक ग्लोइंग रखना है, वो एक्सरसाइज होती है। और विदाउट एक्सरसाइज डाइट सही नहीं होता, विदाउट डाइट एक्सरसाइज सही नहीं होता। ये दोनों आपस में एक बिल्कुल आपस में ही चलती हैं। एक दूसरे के ऊंच नीच होना तो वो नहीं चलते। और बेसिकली हमारे जो बॉडी को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रहने के लिए फोर थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर नहीं होता। एक सबसे पहले जो है हमारा गुड हेल्दी डाइट, गुड हेल्दी। हेल्दी ये नहीं कि आप पाया वगैरह खाए तो उसको कहते हैं हम हेल्दी खाया, उसको हैवी कहते हैं, हेल्दी नहीं कहते। प्लस आगे हमारा जो है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन भी एक अलग से है, डाइट में नहीं आती प्रोटीन, ठीक है। प्लस फिर वाटर, देन एक्सरसाइज। इन तीनों को ड्राइव करने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है। अगर इन तीन आप नहीं करें तो एक्सरसाइज करें तो फिर भी आपको एक वर्स हो जाता है, और अगर आप तीनों कर दे एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर भी आपको अचीवमेंट नहीं होती। तो इन चार चीजों का आपने जो है वो ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना है। हाँ, एक्सरसाइज तो अभी बताती हूँ, फुल बॉडी वर्कआउट, स्पेशली आर्म्स। जी हाँ, बिल्कुल, आर्म शोल्डर्स, ठीक है, ये आपके ट्राइसेप्स होते हैं। पता है क्या, आप तो वेट गिरा देते हैं ना, गिर जाता है आपके वेट 20 kg, लेकिन आपके बाजू जो है ना वो फ्लैब्स रह जाता है, उसकी कमी नहीं होती, वो वैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है। इसके लिए स्पेशल करना पड़ता है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमसे बाइसेप से है, ठीक है, बाइसेप कर्ल करते हैं, बाइसेप उसके बाद ट्राइसेप, ट्राइसेप के बाद फिर हैप्स करते हैं। तो वही मैं आपको पहले भी बताया था कि आपने अपना जो वर्कआउट स्टार्ट करना है, कार्डियो करना है, और अपने पूरे बॉडी वार्म अप करना है। वार्म अप से आपने स्किपिंग कर दिया, अगर अपने घर पर है चुची के लिए है, तो आपने जिम में आपने एलिप्टिकल स्टार्ट किया, तो 10 मिनट्स आपका ये एलिप्टिकल्स और यह वो कार्डियो हो गई है। फिर उसके बाद अपने को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर दीजिएगा, और जिस अगर आप वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ आपने पहले लाइट सा अपने बॉडी को मोबिलाइज ज़रूर करना है, ठीक है, जितने जॉइंट्स हैं, जितने आपका है वो उसको मोबिलाइज कर दे, ताकि आपको इंजरी
ना हो, राइट। और उसके बाद आपका जो इंजरी का होता है, दूसरा एक बहुत बेनिफिशियल ये है कि जब आप वार्म अप करते हैं किसी हाल लाइट वेट से अपने ज्वाइंट से, इसका ये होता है कि आप सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पहुँचता है तो आप वो मसल वार्म होती है, ठीक है। तो उससे जब आप थोड़ा हैवी वेट उठाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको सही इफेक्ट पड़ती है। सो इससे अभी तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, तो आप प्लीज़ आपने नॉर्मल नहीं लिया, थोड़ा सा 2 kg से स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले वीक में आपने 3-5 तक आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। आपका हमारा जो लिमिट है हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन लिमिट जो है हम 6 kg तक हम अपने बाइसेप ट्राइसेप के लिए करते हैं। जितना हैवी वेट उठाएंगे उतने आपको फ़ौरन आपका जो बाजू है वो सही तरह शेप में आता है और सही तरह, ठीक है। सो मैंने बता दिया, अब आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये आपने करना है, अगर 2 kg है तो प्लीज़ आपने तकरीबन 30 रैप्स करना है, ठीक है, 3 सेट की 30 रैप्स, एंड तक तो जब तक यहाँ जो आपको ना फील ना हो, ये बहुत हल्का है लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको अपना डंबल लेके आऊँगी ताकि आपको सही तरह समझा दूँ, ठीक है। यहाँ से गए और हल्का सा नीचे आ जाए, ठीक है। आफ्टर 30 रैप्स के बाद फिर आपने इसको होल्ड रखना है, लाइक दिस होल्ड रखना है, होल्ड रखें, इतना होल्ड रखें, ये बिल्कुल आपके हाथ से बिल्कुल मतलब कि एंड टाइम तक, ठीक है। ओके, अब दूसरा जो है एक्सरसाइज है सेम ही है, अगर आपके पास ये है ना, इसको ये तो डंबल है, एक तरह का रॉड होता है, ठीक है। रॉड को आपने यूँ पकड़ना है, आपने जस्ट थिंक दैट ये दिस इज अ रॉड, ठीक है। आपने रॉड को यूँ पकड़ के यहाँ तक लेके आना है, फिर यहीं से नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये रॉड है, ठीक है, डंबल नहीं है। अच्छा, अब हमने जो रॉड है ना, पहले उसकी अपनी वेट होती है तकरीबन 2 kg या 3 kg, डिफरेंट होता है हर रॉड का। और अगर आपने थोड़ा से छोटे छोटे डंबल लगा के ना, तो उससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको एक तो स्टेमिना, आपकी बाजू के स्टेमिना बढ़ती है, दूसरा ये है कि आपकी वही जितनी फैट है जो उतना वो सारा एक कर्व में आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मसल आएंगे और मसल के बाद में ना जो फैट है ना वो रिड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और अगर हल्का आपको हैवी लगती है तो प्लीज़ आपने अपनी मूवमेंट नहीं देना, राइट। ये जैसे आपने अक्सर लोग मैंने देखा हुआ है कि यूँ उठाते हैं और अपनी कमर से उठाने, प्लीज़ कमर से बिल्कुल नहीं उठना है और अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अगर वो बहुत आपके लिए हैवी लगते हैं, प्लीज़ किसी को कह देना कि आपने दीवार में स्टैंड होना है और सहारा लेना, ठीक है, उसके बाद फिर आपने उठाना है। मैं डंबल से नहीं कह रही हूँ, और आपके जो रॉड में है ना उसके बात कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। यहाँ आपने 20 टाइम करना है, 20 के बाद फिर आपने रेस्ट लेना है, रेस्ट के बाद वंस वाटर पीना है, उसके बाद दोबारा से अगेन वही स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर आपने आफ्टर द थर्ड सेट का स्टार्ट किया है भी इसी तरह आपने 20 कर दिया, 20 के बाद फिर आपने होल्ड रखना है। पहले मैंने दूसरी तरह होल्ड रखवाई थी, अब इस तरह होल्ड रखना है, होल्ड रखना है, होल्ड होल्ड एंड टाइम टैक होल्ड रखना है, ठीक है। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इवन 40 सेकेंड तक भी आप जितना आपकी जो स्टेमिना है तब तक आपने इसको होल्ड रखना है, राइट। दैट्स वेरी गुड। उसके बाद हमने दूसरे बाइसेप के एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। आपने ऐसे बैठना है, सबके पहले अगर आपने राइट हैंड से स्टार्ट करना है तो आपने लेफ्ट लेग को थोड़ा सा हल्का सा आपने आगे की तरफ रखना है, और ये जो आपका आर्म, ये वाला बैक साइड के आर्म है, ठीक है, आर्म कह रही हूँ, बाइसेप है, इसको आपने अपनी नी के पास रखना है, ठीक है। यही सा आपने उठाना है और नीचे ले जाना है,
ठीक है, बैक को प्लीज स्टार्ट करना है और बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और ऐसा नहीं कि अपने आप को गिराना है, नहीं ऐसा नहीं। ये हो गया आपके बाजू के, दैट्स ग्रेट। इस तरह दूसरी, ट्वेंटी टाइम, ठीक है, ट्वेंटी हो गया। ये हो गया हमारा क्या, बाइसेप का। अब हो गया करेंगे ट्राइसेप। ट्राइसेप का ये है कि हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे जितने बाइसेप के जितने फ्लैबी होती हैं ये से स्टार्ट होती हैं। अब हम करवाते हैं, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है जो आपका है वो असिस्टेंट डिप्स है, ठीक है। इसी तरह बॉक्स है, चेयर है, कुछ भी हो, आपने इस पोजिशन में बैठना है जहाँ आपका हिप है। हिप के बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना है, हिप को स्ट्रेट रखना है और नीचे ले जाना है, ठीक है। एक मिनट, वन टू थ्री गो, वन टू थ्री। देखिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, ठीक है, अपनी हिप से नहीं उठ रही, अपनी कमर से नहीं उठ रही हूँ, सिर्फ जहाँ से जा रही हूँ वहीं से आपने उठना है, ठीक है। ज़्यादा जो फोर्स लेना है आपकी बाजू से, मैं ज़्यादा फोर्स दे रही हूँ कि कहाँ से, बाजू से, ये देखिए, गुड, ठीक है। जितना फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके एडवांस होते जाओगे या फिर इंटरमीडिएट एडवांस, तो आप कर सकते हैं कि आपको जितना मतलब वेट ज़्यादा डालने के लिए भी अपनी लेग को अपने बिल्कुल स्ट्रेट करना है। फिर एक बार आएगा तो आप बिल्कुल वन लेग के साथ भी करेंगे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये है, लेकिन ये क्योंकि बिगिनर है, सिक्स रैप भी करना है, टेन रैप्स करें, लेकिन प्लीज़ 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 आपने उसको बिल्कुल परफेक्टली करना है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ट्राइसेप किक, ठीक है, ये हमने किक बैक कहते हैं। बैक स्ट्रेट करना है, चेस्ट अप रखना है, ठीक है, ये देखिए फुल स्ट्रेट किया, वापस यहाँ स्क्वीज करना है, स्क्वीज करके फिर वापस आना है, ठीक है। और आपके जो एल्बो है, आपने एल्बो है ना, एल्बो को आपने एक्सटेंड नहीं रखना है, और उसको हल्का सा आपने अपनी ओब्लिक के पास आपने रखना है, ठीक है, बैक के साथ, लाइक दिस, ये देखें, फुल किक बैक, किक बैक अप, जहाँ फील हो रहा है आपने वहीं पे करना है, देन हो गया। उसके बाद आपने इसी तरह दो डंबल करने हैं, अगर आपके पास 5 केजी के हैं तो 10 कूल आप बैठ सकते हैं या स्टैंड भी होना है, ठीक है। देखते देखिए अच्छे बेंच पे बैठ के आपने ये हो गया आपके ओवरहेड एक्सटेंशन, दिस इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज, ठीक है। डन, तीन एक्सरसाइज का, एक ट्राइसेप का भी मैंने बता दिया। अब आ गए हमारा शोल्डर के साथ, शोल्डर में हमने करना है, यस, ठीक है, ये हो गया शोल्डर, डन, और लेटर लेजर, आज आर्म पूरा, दैट्स इट, इतना ही, आप इसी से स्टार्ट कीजिए एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं फर्क पड़ता। और ये जो आपके फ्लैब्स होते हैं ना, जहाँ पर भी यूजली कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा जिम करें और उसके बाद एकदम से छोड़ दें तो आपकी बॉडी जो है वो फ्लैबी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है वापस टोन अप होने में, उसके साथ आपको डाइट भी बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। बिल्कुल, देखिए जो जाते हैं जिम में वो कहते हैं कि आप बस आज जिम गए और वो आज ही रिड्यूस कर दिया, स्लिम हो गए, ऐसा नहीं होता। आपको एक प्रोसेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कहते हैं, कोई आसान काम नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करना है तो उसको क्या करना है, तकरीबन आपको 6 मंथ लगता है यार, हाँ 3 मंथ 6 मंथ, आपको फर्स्ट वीक जो फर्स्ट 3 वीक्स है
वो आपको थोड़ा सा स्टेमिना बिल्ड होंगे, ये नहीं हो कि आपकी बॉडी उसी दिन से स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म्स सेकेंड वीक में हम जब स्टार्ट होते हैं तो वो हल्का हल्का सा आपके एक इंच कम होती हैं। फिर दूसरी तीसरी आप जो हम तकरीबन 9 वीक्स लगती हैं एक बॉडी को परफेक्ट करने में, परफेक्ट हो जाती है। बस थोड़ा सा आपने पेशेंस रखना और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच के लिए बनी विद अस। टाइम एक छोटी सी ब्रेक ब्रेक आप वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर माय पर्सनल फेवरेट डॉक्टर शज़ली मंजूर, बिकॉज आई हैव बीन हिज पेशेंट और मुझे भी आराम आया है जब बहुत जगह जाके समझ नहीं आ रही होती थी क्या करना है। कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, एलर्जी, एजमा, टीबी, लंग कैंसर, पल्मोनरी मेडिसिन की हम आज बात करेंगे और चेस्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। तो इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको क्लिक की और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, फाइन, ठीक ठाक। अच्छा, बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास। मैं अब ठीक हूँ। मैं आपके पास आई थिंक से कोई साल पहले आई थी एंड ही वाज़ द फर्स्ट डॉक्टर जिन्होंने मुझे कहा कि आपके घर में पेट्स हैं, क्योंकि मैं बहुत इनको दास्तान, मैं इधर गई हूँ, मैं उधर गई हूँ, मुझे इतने सालों से मेरा ठीक नहीं हो रहा। सो डू यू हैव पेट्स? मैंने कहा जी आई हैव पेट्स। गेट रिड ऑफ योर पेट्स। और मैंने कहा ये तो आपने बहुत मुश्किल इलाज बता दिया, ये नहीं हो सकता। और वो साल बाद हुआ है उस दिन से लेके साल बाद आई फाउंड द करेज कि अच्छा इट्स मी और इट्स माय पेट्स। मैं डर रहा था कि ये ना हो कि आपके मैं ठीक नहीं हुई तो ज्यादा सवाल होंगे और मुश्किल सवाल होंगे। नहीं 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 नहीं, वो अब पहुंच गए थे उस तक, यू नो मसला क्या है एक्चुअली। तो हम जो है बाकी बहुत सारे लोग हैं उनके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जरा उस चीज से स्टार्ट करते हैं आसान, कि खांसी जब आपको हो जाए तो कितने अरसे बाद तक जो है, मतलब कब तक वो एक नॉर्मल खांसी है और कब आपको जो है कॉशियस हो जाना चाहिए कि अब ये कुछ और हो सकता है? खांसी जो है बेसिकली बहुत सारी बीमारियों की अलामत में से है, और यूजली तो मोस्ट कॉमन जो कॉमनेस्ट खांसी होती है वो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, जिस तरह आप डॉक्टर के पास गए, हल्का सा नज़ला ज़ुकाम, जो कॉमन कोल्ड हम इसको कहते हैं, जो लोग उसको फ्लू के साथ कर देते हैं। हर कॉमन कोल्ड फ्लू नहीं होता, फ्लू में ज़्यादा मतलब अलामत ज़्यादा हो जाती हैं, शिद्दत हो जाती है। तो कॉमन कोल्ड लोगों को यूजली के साथ जो खांसी होती है या वायरल इन्फेक्शन या सोर थ्रोट हम उसे कहते हैं, गला जी मेरा ख़राब हो गया या हल्का नज़ला जुकाम, तो यूजली वो लास्ट करता है कपल ऑफ डेज। अच्छा, डेज, नॉट इवन वीक्स? नहीं, वीक्स। अगर वीक्स में लास्ट करने लग जाए तो फिर तफ्तीश शुरू हो जाती है और आप मतलब डॉक्टर को रजू करें। उसमें बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, जिस तरह आपने अभी बहुत सारी बीमारियों का जिक्र किया, तो उसमें नाक की क्रॉनिक जिसको हम साइनसाइटिस कहते हैं उसकी वजह से हो जाता है। एस्मा मोस्ट कॉमन उसमें है। अच्छा। टीबी है, नमोनिया है, लंग कैंसर है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट किस उम्र से प्रेजेंट कर रहा है और उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसको इलनेसेस क्या हैं, तो उसके मुताबिक फिर डॉक्टर्स को जज करता है कि खांसी की इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए। तो कपल ऑफ डेज खांसी को तो आप टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन इफ लास्ट मोर देन अ वीक तो आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, चेकअप आपको फौरन जो है वो बिल्कुल करवा, क्योंकि प्रोलॉन्ग, जिस तरह आप अपना केस बताए, बहुत सारे लोग हमारे पास एक एक साल, दो दो साल बाद आते हैं और खांसी कर करके वो कहते हैं चली जाएगी। एलर्जी एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जी एलर्जी हो गई है, अब वो लोग बता नहीं सकते और जीपीस के पास जाते हैं, जीपीस अपने ट्राई करते हैं, हेल्प करते हैं, फिर वो रेफर करते हैं आगे स्पेशलिस्ट को, तो उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। जब उनसे नहीं होता तो वो आगे स्पेशलिस्ट को भेज देते हैं, लेकिन पहला काम तो मरीज का है कि अगर उसको ये लग रहा है कि खांसी नहीं जा रही, तंग पड़ रहे हैं मरीज, उनकी डेली एक्टिविटीज़ जो है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, परफॉर्म करने में, रात को सोने में, तो दे शुड कंसल्ट डॉक्टर, कंसल्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, आपने कहा एक कॉमन अकरेंस जो है अगर आपको ज्यादा खांसी हुई है, एस्मा है, तो एस्मा लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में भी डेवलप हो सकता है या ये कुछ ऐसा है जो आप मतलब बाय बर्थ आपको होता है? वही आपने सवाल किया ना कि कैट जिस तरह आप कह रही थी, बिल्कुल, तो जो अर्ली स्टेज एस्मा होता है वो यूजली एलर्जिक होता है, जो लेटर स्टेज एस्मा होता है वो फिर एलर्जी से, बॉर्न एलर्जीज या होता है ना खानदानी एलर्जी, उससे नहीं आता ये फिर। अच्छा। फिर ये किसी स्पेसिफिक चीज़ से आपको एलर्जी हो जाती है, जिस तरह
आपने कहा जी मुझे कैट कितने देर एक्सपोजर रहा तो आपको हो गई, या कोई ऐसी चीज, लोग जो किसी जगह पे ऐसी जगह काम करते हो, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है कोई, मतलब कोई फैक्ट्री है, कोई प्लास्टिक की कोई एक्सटर्नल फैक्टर है उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन यूजली एलर्जीज जो अर्ली स्टेज में, अर्ली लाइफ में होती है, वो एलर्जिक ज़्यादा होती है और वो ट्रीटेबल होती है, वो जल्दी ठीक हो जाती है। लेटर इन लाइफ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर उसके अलावा बहुत सारी रीजंस आ जाती हैं। अच्छा, आई नो अ केस जिसमें एक छोटा बच्चा, आई थिंक ही इज 6 ना, 4 5 6, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या एज है, बट ही इज वेरी स्मॉल एंड उसको जो है एस्मा डिटेक्ट हुआ है और वो इतनी लेट, मतलब इतना ही सिवियर एस्मा दैट ही कांट ब्रीथ, स्पेशली जब पोलन सीजन होता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये चीज़ वो चीज़, और एक कॉमन चीज़ जो कही जाती है, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है एस्मा के पेशेंट्स में। और मैंने बहुत दफ़ा सुना है इस डॉक्टर के पास मत जाना, वो तो डायरेक्ट स्टीरॉइड्स दे देता है, ठीक है, तो आप ये वाला इलाज करो, वो वाला करो, तो करना क्या चाहिए ऐसे सिचुएशन में जो आपको सांस ही नहीं आ रहा है? ये तो इल्ज़ाम मेरे पे भी है कि मरीज आके कहते हैं जी स्टीरॉइड ना दें। हाँ, स्टीरॉइड स्टीरॉइड दे देते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने खुद कहा ना कि खांसी की डिटेक्ट करना अर्ली स्टेज में, अगर एस्मा को आप डिटेक्ट कर लेते हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चों को यूजली खांसी रहती है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, तो पेरेंट्स भी इग्नोर करते हैं तो वो चलता रहता है उनका, और हो सकता है कि वो एस्थमेटिक हों। अच्छा। तो जब प्रोलॉन्ग हो जाएगी इलनेस, मैंने कहा कि साल बाद आ पाएँ या 2 साल बाद, फिर आपको दवाइयों को बढ़ाना पड़ता है। तो हो सकता है जैसा आपने कहा बच्चे को सांस ही नहीं आ रहा, तो उसको सांस नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? तो डॉक्टर की चॉइस नहीं है कि वो ज़बरदस्ती या उसने कोई ऐसी चीज़ अपनी कोई ईजाद की है कि वो स्टीरॉइड दे देगा। तो हर स्टेज के एस्मा पे ये दवाई देनी है, फिर ये देनी है, आप उसको स्टेप अप करते जाते हैं। इसी तरह फिर आप जब कंट्रोल हो जाए तो आप उसको स्टेप डाउन थेरेपी कर लेते हैं। तो एक पेशेंट अगर आपके पास इतना स्वेरिटी के साथ आए, शदीद उसके अलामात हैं, उसको सांस ही नहीं आ रहा, खुदा ना खासा सांस रुक गया, एमरजेंसी में आ जाएगा, जान भी जा सकती है उसमें। बिल्कुल। तो 2 से 2.5 लाख लोग जो है एस्मा से मरते हैं तो हर साल, बिग नंबर, बिग नंबर। तो उसकी रीज़न यही होती है कि उनका कंट्रोल नहीं होता, दवाई वो लेना नहीं चाहते, फिर वो आगे बात करें तो होता ही डॉक्टर तो ये तो वो उस पे चले जाते हैं, दे वेस्ट टाइम। तो स्टीरॉइड एक ट्रीटमेंट है और वो दी जाती है, वो इनहेलर फॉर्म में हो सकती है, गोलियों की सूरत में, बच्चों में शरबत की सूरत में, इंजेक्शन की सूरत में, तो वो आप देनी हो तो वो देनी पड़ती है। जब वो कंट्रोल हो जाए तो आप स्टीरॉइड को हटा देते हैं और बाकी दवाइयाँ उनकी चलते रहने देते हैं, और एक टाइम आता है कि बहुत मिनिमल दवाइयाँ जो है वो जारी रखती है। जिस तरह अगर आपका अभी कंट्रोल है एस्मा तो आपको स्टीरॉइड लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो जो वक्ती तौर पे दवाई दी जाती है उसका नुकसान नहीं होता। अगर ये आप प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए दें, फॉर ईयर्स दें, तो फिर उसका नुकसान होता है। तो उसकी एक, मैं आपको एक मिसाल बहुत अपने जो व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से दे देता हूँ कि बच्चे की जब ग्रोथ नहीं होती, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है और 7 माह और उससे मतलब कम में होती हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट उनको स्टीरॉइड के टीके लगाते हैं। अच्छा। हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन को। अच्छा। उसकी रीज़न ये होती है कि स्टीरॉइड उनके लंग को बेसिकली एक्सपेंड करते हैं और उसकी ग्रोथ होती है। तो अगर स्टीरॉइड इतनी हार्मफुल दवाई होती तो कभी भी ना लगाते, तो वो कभी लगाते, और वो भी मतलब प्रेग्नेंट और हामला औरत को, जो उसका बच्चा जो है वो छोटा है, उसकी ग्रोथ नहीं है, और डर ये होता है कि अगर ये 7 माह से पहले या 7 माह तक ये डिलीवर कर जाएंगी तो इसके लंग्स नहीं डिवेलप किए होंगे। तो ये सारी मिसकंसेप्शन है, लोगों की सुनी सुनाई बातें, डेली मैं यही सुन रहा होता हूँ। तो डॉक्टर की बात सुने, डॉक्टर कभी गलत आपको वो नहीं देगा। लोग ताई डॉक्टरों के पास, दूसरे डॉक्टर में जाते हैं, वो जो दे देते हैं वो ले लेते हैं, वो पूछते भी नहीं कि इसमें क्या है, हकीम है, कोई भी इस तरह का है। तो हमसे वो ऐसे सवाल करते हैं ये क्यों दे दिया आपने इस तरह, ये तो बड़ी खराब चीज दे दी, मतलब वो कोई, तो ये आई थिंक सवाल उस डॉक्टर के पास बड़ी सख्त दवाएं देता है, सख्त दवाई देता है, बड़ी वो, हाँ आपकी बात सख्त है, और गर्म दवाइयाँ दे देते हैं। बिल्कुल। तो आप सख्त, अब दवाई तो उसकी एज, हाइट, वेट के लिहाज से दी जाती है। बड़ों की दवाई बच्चों में नहीं दे सकते, बच्चों की दवाई आप बड़ों में नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो ये सारे मिसकंसेप्शन, आज का गूगल का जमाना आ गया। हाँ। तो मैं तो वो लिख के मैंने अपना आपने एक मग रखा, उसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट चैलेंज माय डिग्री विद योर गूगल सर्च। गूगल सो ट्रू, हर वक्त वो गूगल पे बैठे में एंड नत नई चीजें ला रहे हैं, बता रहे हैं ये ऐसे हो गया डॉक्टर साहब, मैंने ये दवाई लेनी है, मुझे ये किसी ने बताया, तो मैंने ये रिसर्च में ये पढ़ के आई, उसमें तो ये होता है। अब हमारा भी पेशेंस
काफी टेस्ट हो रहा होता है ना, ऑब्वियसली दैट्स ट्रू। और बड़े मजे की बात है कि मैं तो गूगल पे इसलिए नहीं जाती क्योंकि मैं जाऊंगी कि मुझे छींक आई है और वो मुझे पहुंचा देगा कि बस आपके पास 2 घंटे हैं जी, ये तो एकदम उसी वक्त हॉल उठना शुरू हो जाते हैं कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो प्लीज डॉक्टर्स के पास जाना बहुत जरूरी है। अच्छा एक और चीज जो कही जाती है, मैं आपसे सारे लेमैन सवाल पूछूंगी, क्लियर हो कंसर्न कि इनहेलर जो है वो एडिक्टिव है जी, ठीक है, अब डॉक्टर ने इनहेलर दे दिया हो ये तो अब आप पूरी जिंदगी इसके साथ जो है ना। इनहेलर बिल्कुल एडिक्टिव नहीं है, ये बहुत आपने कॉमन सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया। एडिक्टिव इसलिए नहीं कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो एडिक्शन करे। देखें सांस की नाली बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है, पेट में नहीं है। हाँ। अब आप गोली खाएंगे, शरबत पियेंगे, कैप्सूल ले लेंगे तो वो पहले पेट में जाएगी, फिर वो लिवर से मेटाबोलाइज होके अंत्रियों में जाएगी, फिर वहां से एब्जॉर्ब होगी खून के रास्ते जाके घूम घुमा के वो कहीं सांस की नाली और लंग्स में पहुंचेगी। तो कितना बड़ा उसने टाइम लगाया, कितने आवर्स लगे। अब जब आप स्प्रे यूज करते हैं तो वो डायरेक्ट सांस की नाली में जाके उसको खोल देता है। इसकी मिसाल चलें इस तरह मैं देता हूँ कि कान की तकलीफ है, नाक की तकलीफ है या आंखों की तकलीफ है, तो आप गोली तो नहीं खाएंगे ना, आप नाक में स्प्रे कर लेंगे, आंखों में ड्रॉप्स डाल, क्योंकि वो सामने है। इसी तरह जब आप इनहेलर मारते हैं तो वो डायरेक्ट सांस की नाली में जाके आपको रिलीफ देते हैं। तो इसमें कोई एडिक्शन नहीं है, ये दवाई के पहुंचाने का एक तरीका है। बिल्कुल, कैप्सूल खाना, गोली खाना, शरबत पीना, टीका लगाना, ड्रिप लगाना, ये दवाई पहुंचाने के रास्ते हैं। तो जो रास्ता सबसे सामने नजर आएगा उसको आप आराम से ट्रीट कर सकते हैं। सर किसी को आई की इन्फेक्शन है तो आप गोली खाएंगे या टीके तो नहीं लगाएंगे, उसको आंख के ड्रॉप्स देंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सांस की नाली बिल्कुल सामने है। बिल्कुल। जब आपने इनहेलर मारा तो वो स्पीड से जाता है और सांस की नाली में जाके उसको खोलता है, उसके ऊपर वो दवाई ऐसे लेप हो जाती है, उसकी वो ट्रीटमेंट करता है। बिल्कुल। तो उसमें कोई एडिक्शन नहीं है, दवाई पहुंचाने का तरीका है। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि एडिक्शन तो उससे होती है ना कि आप कोई नींद की दवाई लें, कोई मतलब इस तरह की, तो उससे एडिक्शन होती है जब कि दिमाग में जा रही है, दिमाग के अंदर कुछ। और दवाई जो है वो जरूरत है। हाँ, दवाई आप क्यों लेते हैं? क्योंकि आप बीमार हैं, आपको जरूरत है, आपने ली, आपकी बीमारी ठीक होगी, आप बंद कर, तो इसमें कोई एडिक्शन नहीं। बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। इन्हें अब तो खैर प्रैक्टिस 16-17 साल के बाद ये रियलाइज हुए कि अब लोग नहीं इतने सवाल करते। जब प्रैक्टिस मैंने शुरू की थी, जब मैं अमेरिका से आया था, उस टाइम तो कहते ये ना दें, ये ना, बिल्कुल इसको ना दें, बाकी आप। मैं तो अभी भी और बड़े पढ़े लिखे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं तुम साइकोलॉजिकली तुमने डेवलप कर लिया, यू आर एडिक्टेड टू इट, इसको छोड़ दो, ये ना करो। आगे जाके हम जो है टीबी पर भी बात करेंगे कि किस स्टेज की खांसी कैसे कन्वर्ट हो जाती है टीबी में और किस तरह उसको अवॉइड किया जा सकता है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मी एक्टिव मॉर्निंग, हमें ज्वाइन किया शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक। ठीक ठाक, क्या बना रहे हैं? आज नाम तो बड़ा मजेदार था, मशरूम सॉस बना रहे हैं। मशरूम सॉस है। अच्छा, स्प्रिंग फ्राइड चिकन, ठीक ठीक है, उसके साथ हम मशरूम सॉस बनाएंगे और उसके साथ असॉर्टेड वेजिटेबल होंगी। जबरदस्त जी, जबरदस्त। और यही जो है, हम तो खैर आपको स्प्रिंग चिकन भी बनाना सिखा रहे हैं, अब स्टेक्स के साथ भी ये सब कुछ सर्व कर सकते हैं। सर्व होते हैं, बिल्कुल। सॉस भी वही होगी जो यहाँ पे हम बनाएंगे इसके साथ, स्टेक्स के साथ भी वही सर्व होती है। ठीक है, तो हम बताते हैं, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताता जाऊँ। सबसे पहले व्हाइट पेपर होगी इसमें, ठीक है, उसके बाद मस्टर्ड यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद सॉल्ट होगा इसमें, ठीक, उसके बाद गार्लिक होगा, वाइट फ्लावर होगा, ऑयल होगा, मशरूम है, ठीक है, एग, असॉर्टेड वेजिटेबल, ब्राउन सॉस, ठीक है, और चिकन। चिकन पहले चिकन की मैरिनेशन होगी? हाँ, चिकन की मैरिनेशन देंगे हम, इसका बैटर बनाएंगे, बैटर में इसको हम बैटर बना के फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। उसके साथ सेपरेट हम मशरूम सॉस तैयार करेंगे, असॉर्टेड वेजिटेबल होगी नीचे, सौते वेजिटेबल होगी ऊपर, चिकन अपना मशरूम सॉस होगी उसके ऊपर, चिकन होगा और फिर उसकी हल्की सी लेयर मशरूम सॉस। वाह, जबरदस्त, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं चिकन हम मैरिनेट साथ साथ करते हैं, थोड़ा सा लंबा काम है, अगर आप मुझे एक दफा तरीका मशरूम सॉस बनाने का बता दें। मशरूम सॉस मेरे ख्याल में पहले तैयार कर देते हैं, पहले तैयार कर लेते हैं, ठीक है, टेबल कर लेते हैं उसको। ये ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स मुझे लगता है मशरूम सॉस के ही है ना? हाँ जी, ठीक है,
ठीक है, साथ साथ तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं। पकाई जाएगी मशरूम सॉस में? हल्का सा ऑयल डालेंगे क्योंकि मशरूम को सौते करने के लिए। वैसे तो मोस्टली लोग मशरूम को सौते नहीं कर रहे, लेकिन मैं मशरूम को सौते करता हूं। नहीं, अच्छा उसका फ्लेवर जो है ना, मजे का निखर सा जा जाता है। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं जी। हाँ जी, सुंदर प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और सबसे जो मैंने मैंने फोन किया है, जो दमा के लिए डॉक्टर साहब आए हैं उनसे बात करने के लिए भी। जी जी पूछिए। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ ये मैं इनसे भी बात करूंगी, अगर मशरूम सॉस किसी को पसंद ना हो मशरूम, तो फिर किस कौन सी सॉस डालें? अच्छा जी, इसका जवाब है, मैं आपसे पूछती हूँ अलग से, मैं आपको बताती हूँ इसका। जी जी डॉक्टर साहब से पहले सवाल। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड को दमा है काफी साल से, तक 20 साल से ज्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ पे अपने शहर इस्लामाबाद के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को वो चेक करवाते हैं। आज शाम को भी जावेद मुबीन है या इस नाम से शिफा इंटरनेशनल, उनको चेक कराने जाएंगे। आई थिंक आपके आसपास कहीं बैठते हैं, तो नॉर्मली होता ही है कि वो डोज को जरा ज्यादा कर देते हैं। डोज ज्यादा कर देते हैं? हाँ, मतलब जो मुझे समझ आइए, मतलब ये कि सेल्फ मेडिकेशन हम बिल्कुल नहीं करते। गूगल को तो लोग समझते हैं, गूगल से चीज लेना सेल्फ मेडिकेशन नहीं है। लोग अब हमारे ये हो गया है, जो सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हो रहे हैं वो समझते हैं गूगल से चीज उठा के इस्तेमाल करना सेल्फ मेडिकेशन नहीं है। तो बहरहाल मैं अपनी बात करूंगी कि आपसे ये पूछूंगी, क्या हम डॉक्टर चेंज करें या ये कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उसी डोज को बढ़ा देते हैं। वो ये अच्छा, आप ऐसा करें, आप मुझे पहले ये बताएं थोड़ी सी अपने हस्बैंड की जो है ना आस्मा की हिस्ट्री बताएं। पहले आपने बताया कितने साल से उन्हें आस्मा? तकरीबन 20 साल से है। 20 साल से आस्मा, ठीक है। हाँ, और कितना किस सेवेरिटी का आस्मा है डॉक्टर साहब? बहुत ज्यादा होता है। इनहेलर रेगुलरली लेते हैं, इनहेलर तकरीबन ये कहेंगे 3-4 दिन होता है उनका, मतलब क्योंकि हम ज्यादा कोशिश नेब्यूलाइज करते हैं आप लोग उन्हें फ्रीक्वेंटली? बिल्कुल, हमने घर में रखा हुआ है, घर में रखा हुआ है, सर्दियों में नेब्यूलाइज करते हैं। और एक आध दफा मतलब उससे भी उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी है, हमें समझ नहीं है शायद हमारे फार्मूले में कोई एलर्जी हो उन्हें, जो डॉक्टर ने बताई हो आपको? डस्ट एलर्जी हमें खुद महसूस होता है, जैसे राजा बाजार मोती बाजार इस तरफ वो जाते नहीं, कि जी पिंडी के नाम से उनको कि वहाँ शायद डस्ट है, मतलब अच्छी वाली डस्ट से नहीं। और उम्र क्या है आपके हस्बैंड की? 49 ईयर्स ओल्ड है। 49। अच्छा, मैंने असिस्टेंट वाला काम कर दिया डॉक्टर साहब, सवाल सारे मैंने पूछ लिए, अब आप जो है ना इन्हें प्लीज अगर बता दीजिए। जी, पहले तो ये है कि जारी बात है, इनको पहले उन्हीं डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। हाँ। वो अच्छे डॉक्टर हैं। और दूसरा ये कि ये देखना चाहिए कि ये क्यों, इनके जो सिम्टम्स हैं वो क्यों नहीं ठीक हो रहे, बढ़ क्यों रहे। आया कोई ये खुद से जिसे कहते हैं ना कंप्लाइंट नहीं है, दवाइयाँ अपने टाइम पे नहीं लेते? हाँ, क्योंकि आपने कहा ना कि वो सख्त देते हैं दवाइयाँ या वो ज्यादा कर देते हैं, तो मैं नहीं लेती, तो ये तो। और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है ज्यादा हो रहा है? आपने कहा डस्ट है। हाँ। क्या आपके घर में ज्यादा डस्ट है? सफाई किस तरह से आप करें? ये सारी चीजों को आपने जो है ना कंसिडर करना है। दूसरा ये कि जो 20 साल पहले अस्थमा की ट्रीटमेंट थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, तो जो दवाइयां आप लेते रहे हो सकता है कि वो दवाइयां इतनी इफेक्टिव ना हो, और इनका अस्थमा जो है अब वो कॉमन क्रॉनिक बन गया। तो उसकी ट्रीटमेंट का ये है कि आप दवाइयां बढ़ाएं और अपने डॉक्टर से रजू करें और उनसे पूछें, आप भी मालूमात दें कि घर में आपका कैसा है, आप किस तरह सफाई कराते हैं, किधर वो जाते हैं, उनके काम की जगह क्या है, ये सारी चीजें आपको जो है ना उसमें लानी चाहिए। और बहुत सारी जो अलामात या उसकी जो शिद्दत है वो कमी आ सकती है सिर्फ अगर आप थोड़ा सा अपना माहौल बेहतर बना लें घर का या जहाँ पे वो काम के लिए जाते हैं। और दवाई बढ़ाना जरूरी है क्योंकि अटैक हो सकता है और वो अस्पताल पहुंच सकते हैं। प्लीज, डॉक्टर साहब भी कह चुके हैं बात, मैं भी कहूंगी कि अगर आप बात स्टार्ट इधर से करते हैं कि डॉक्टर साहब ने ये वाली दवाई लिख के दी लेकिन वो बड़ी सख्त है हमने नहीं दी, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते क्या करें, डॉक्टर तब्दील कर लें, डॉक्टर का तो मशवरा फॉलो ही नहीं कर रहे। तो आपने अगर किसी डॉक्टर के पास जाना है तो आपने A to Z वो दवाई जो है वो फॉलो करनी है, और उसके साथ साथ फिर होम्योपैथ और हकीम और ये सब कुछ नहीं, मैं इन्हें बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन एट वन टाइम आप एक ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं, तो आपको पता हो कि अगर वो असर कर रहा है कि वो नहीं कर रहा है, या फिर आप उसको छोड़ के एलोपैथिक पे जाएं, होम्योपैथिक पे जाएं, हिकमत में जाएं, किसी भी चीज़ में जाएं, लेकिन वन ट्रीटमेंट एट अ टाइम, वरना आप सारों का जो है ना वो खराब हो जाएगा सिस्टम। एक और सवाल से पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों को एस्मा हो जाता है
और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराई जाती है, आप सेल्फ मेडिकेशन करें जो कुछ भी, तो फ्यूचर में जाके कितना डेंजरस हो सकता है फॉर द किड्स? देखिए उसमें तो ज़्यादा मसला ये है कि जो फैमिली है या पेरेंट्स है वो पहले उन्हें आप ये कह दें कि बच्चे को एस्मा तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं जी आपने ये कैसे कह दिया, हाँ। तो वो बात को मानते ही नहीं है, तो उसी अच्छा। वजह से डिले हो जा जी ट्रीटमेंट डिले हो जाती है, एक्सेप्टेंस नहीं होती उनकी। तो ये बच्चे अमूमन जब बड़े होते हैं तो ये क्रॉनिक एस्थमेटिक्स बन जाते हैं। तो अगर आप बच्चे को डायग्नोस कर लें और उनको ट्रीटमेंट दे दें तो ये अपने एस्थमा से आउटग्रो कर जाते हैं। इनका एस्थमा जो है टीन्स में जाके 15-16 साल की उम्र में ये निकल जाता है, निकल जाता है, खत्म हो जाता है। क्योरेबल नहीं है लेकिन ये इसे आउटग्रो कर जाते हैं। अच्छा। हो सकता है कि कपल ऑफ इयर्स लेटर, हो सकता है एडल्ट लाइफ में, लेटर लाइफ में इनको दोबारा हो, क्योंकि ये सब चीजें एलर्जी की वजह से होती है, डस्ट है, फ्यूम्स है, केमिकल स्प्रे, तो आपको कभी ना कभी पोलन है, ये दोबारा हो सकता है लाइफ में, ये नहीं है कि वो परमानेंट, क्यों किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो एस्थमेटिक है अगर वो ख्याल रखते रहेंगे और अपना कंट्रोल रखेंगे बच्चों को, तो उनकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज अपने स्कूल कॉलेज में वो जारी रखेंगे और वो आउटग्रो कर जाएंगे। वो बच्चों का एस्थमा कंट्रोल नहीं होता जिनको दवाइयाँ प्रॉपर नहीं दी जाती, जिनका एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं किया जाता। अच्छा, एक स्टीरॉयड से रिलेटेड जो है सवाल में एक और पूछना चाहूंगी, भी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर बचपन में स्टीरॉयड वाली दवाइयां शुरू कर दी जाएं तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है कि बच्चे ग्रो नहीं करते, ये सच है कि नहीं? जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सुंदर साहब ने किया। स्टीरॉयड का ग्रोथ पे कोई ताल्लुक नहीं है, जितनी भी स्टडीज बच्चों में हुई है, बहुत बहुत ज्यादा हुई है दुनिया में, रिसर्च हुई है, तो उनमें से किसी एक रिसर्च ने साबित नहीं किया कि अगर बच्चों को अर्ली लाइफ में स्टीरॉयड दिया जाए तो वो उनकी हड्डियां ग्रो नहीं करेंगी, वो लंबे नहीं होंगे, हाँ। या वो हेल्दी नहीं होंगे, हाँ। मतलब 16-17 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो वो जो छोटे बच्चे हैं, एक उनमें से मुझे याद है लड़का मेरे पास आता है, इज वेरी टॉल माशाल्लाह, और वो HSN में पढ़ रहा है। अच्छा, मतलब ये एक एग्जांपल मैं आपको, हाँ, बिल्कुल, कि मेंटली तो मेंटली वैसे मतलब आप देखें और लंबा, मतलब दरवाजे तक उसका कद माशाल्लाह पहुंच गया। अच्छा। So he was small when he came with asthma attack. So I remember, I recall him. तो इसका कोई ताल्लुक नहीं। बेसिकली मैं हमेशा ये बात पेरेंट्स से और लोगों से, मरीजों से कहता हूँ कि दवाई आपको नुकसान नहीं पहुँचाती, हमेशा बीमारी नुकसान पहुँचाती है। बीमारी से आप बीमार होते हैं, दवाई से आप बीमार नहीं होते, नहीं होते। कभी साइड इफेक्ट किसी दवाई का हो गया तो बड़ा रेयर किस्म का चीज हो जाती है, किसी को सूट नहीं करती, लेकिन बीमारी जो है इंसान को बीमार करती है और मरीज उसमें जो है क्रॉनिक उसको बीमारी फिर हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी और मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो आज भी 100% मेरी भी इस वक्त खत्म हुई है कि जो स्टीरॉयड्स है वो वाकई आपकी ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि बच्चों को इसीलिए लोग दवाइयां नहीं देते, स्पेशली जिनको इंजेक्शन की जरूरत हो जाती है, जिनको बहुत ज्यादा सवेयर एस्थमा अटैक्स होते हैं वो भी नहीं देते, तो ये भी आपकी मिसकंसेप्शन हमने ठीक कर दी। टीबी की तरफ भी आते हैं, उससे पहले सॉस हमारी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, रेडी है, और ये टेस्ट करें। नहीं देखिए, मैं टेस्ट करूँ, इतनी गर्मा गर्म सॉस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत मजेदार है, और ये आई थिंक सो थोड़ी सी थिक होगी अभी ना, पक पक के बहुत मजे की। और अच्छा जी, उसमें हमने क्या कुछ डाला मैरिनेशन के लिए? हमने इसमें सॉल्ट, पेपर, वाइट पेपर यूज किया, मस्टर्ड किया, सॉल्ट किया, वाइट फ्लावर है और गार्लिक है, ठीक है। इसको वैसे आपने थोड़ा ज्यादा देर मैरिनेट करना है, हम इसको फ्राई, इसको हमने फ्राई करना है, ये फ्राई हो जाएगा, तो हमने इसको सौते वेजिटेबल को बनाना है, ठीक है, ठीक है, उसमें गार्लिक होगा, सॉल्ट होगा और व्हाइट पेपर होगा एज पर टेस्ट, ठीक है जी, ठीक है। तो हम ये बनाते हैं, हमें डॉक्टर साहब की तरफ वापस जाते हैं। डॉक्टर साहब, टीबी के मरीज की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस टीबी मतलब कम्प्लीटली आउट या अभी भी उसकी अकरेंस बहुत ज्यादा है? टीबी जो है बेसिकली हमारे मुल्क में फिफ्थ लीडिंग कॉज है इस टाइम पे, स्टिल प्रेवलेंस के लिहाज से, और फोर्थ नंबर पे हम MDR मतलब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में है, और टीबी में हर साल ये बढ़ती जा रही, लाखों लोग इसमें आते जा रहे हैं, तो टीबी का बहुत बड़ा बर्डन है, हेल्थ बर्डन है हमारे। मेन कॉज क्या है इसकी? देखिए, मेन कॉज तो अवेयरनेस नहीं है, बहुत बड़ी ये कॉज है, फिर ट्रीटमेंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब तो खैर WHO के बहुत बड़े प्रोग्राम हैं, नेशनल टीबी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, तो वो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रूरल लेवल पे, बेसिक हेल्थ यूनिट तक आप पहुंच गए, तो अब इस पर बहुत काम हो रहा है और टीबी आपकी कंट्रोल, लेकिन उसकी जो वजूहात हैं बेसिकली वो इस तरह से है, क्योंकि एक तो ये है कि ये स्टिग्मा समझा जाता है, बिल्कुल, ये दाग है, लोग बताते नहीं हैं, मतलब अब अमीर लोगों में या वेल टू डू लोगों में ज़्यादा ये हो रहा है, क्योंकि
और वो हमसे ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तुम्हारे तो खानदानों में कभी टीबी नहीं रही। हाँ। तो जाहिर बात है जिनको टीबी होती है वो बताते किसी को नहीं है, वो प्रिकॉशन नहीं लेते जो एक टीबी के मरीज को लेना चाहिए, तो ये फैलती जा रही है। जस्ट बिकॉज़ एक स्टिग्मा है कि ये टीबी बताएंगे नहीं, स्कूल कॉलेजेस में किसी को होगी तो बच्चा जाके नहीं बताएगा, यूनिवर्सिटी में नहीं बताएगा, किसी को मदरसे में होगी तो बच्चों को और ट्रांसमिट हो जाएगी, किसी को मतलब तो ये इस तरह ये बहुत इजीली होती है, ये होती आपकी छींक मारने खांसी करने, इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो उसका ये है कि बेसिकली अवेयरनेस तो खैर मीडिया और आपके थ्रू बहुत ज़्यादा है, पैम्फलेट्स और हर चीज़ पे, लेकिन अभी भी इसको लोग एक्सेप्ट, जैसे पहले दमे को नहीं करते थे इनहेलर के मुतालिक, देखिए ना लोग इतने उस पर होते हैं कि हमने इनहेलर ना दें पत्नी कहिए तो अब सारी उम्र लग जाएगा, ये एडिक्शन है। इसी तरह ये टीबी को भी हम लोग ऐसे ही समझते हैं, और टीबी कोई स्टिग्मा नहीं है। टीबी के मुतालिक एजमा आपने पूछा कि क्योरेबल है, टीबी 100% क्योरेबल डिजीज़ है, 100%। ये अपने मरीज को मतलब कुछ लोग रोने लग जाते हैं, कुछ लोगों को ऐसे लगता है एक बस खत्म हो, ये क्या डॉक्टर साहब आपने कह दिया। तो लेकिन इसकी जो अच्छी साइड ये है कि ये 100% क्योरेबल है, नो मैटर जिस भी स्टेज पे, नो मैटर ये जिस स्टेज पे है, जिस स्टेज पे भी अगर वो डॉक्टर के पास पहुंच, अमूमन ये लेट ही डायग्नोज होते हैं, आते हैं हमारे पास लेट डायग्नोज होते हैं। तो अब चूंकि अवेयरनेस बहुत है, टीबी नेशनल टीबी प्रोग्राम इस पे बहुत काम कर रहा है, WHO इस पे, दवाइयां बहुत आसान है, एक गोली में चार दवाइयां मिक्स हुई हैं। पहले जी पहले जमाने में 12-16 गोलियां लोग खाते थे, अब आपने 3 खानी है, 4 दिन में खानी है, 4 दिन में खानी। डॉक्टर साहब सॉरी मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं ये नहीं चाहूंगी कि हम जल्दी जो है इसको वो कर दें। आपके लिए आज ये बहुत है कि टीबी के लिए प्लीज अगर आपको पता चल गया, आपके फैमिली में पता चल गया, और सिर्फ अपना ना सोचें कि आप एक स्टिग्मा लेके बैठ गए, पहले तो स्टिग्मा नहीं है, एक बीमारी है, आपको हो गई, आपने इसको क्योर करना है, अपने आप को ठीक करना है, और इस वजह से जस्ट बिकॉज के आप लोगों को नहीं बताना चाह रहे, ये इतनी इजीली ट्रांसमिटेबल डिजीज है कि आपकी वजह से और लोग बीमार हो सकते हैं। तो प्लीज डॉक्टर के पास जाएं, बताएं, और डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि 100% क्योरेबल। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी हम इसके ऊपर भी जो है लंबी डिस्कशन करें, हम इसको भी प्रॉपरली डिस्कस करें, इसके सिम्टम्स और इसके प्रिकॉशंस और इसके क्योर के बारे में बात करें। आज डॉक्टर साहब का टाइम हमारे पास जो है खत्म हो गया, थैंक यू सो मच, अब यहाँ तशरीफ लेकर आए, आपको इंशाल्लाह दोबारा भी दावत देंगे। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक का आप साथ वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने, और इनका जो प्रोफाइल है वो एवरी एस्पायरिंग इंटेलेक्चुअल जो है उसके लिए एक एग्जेम्पलरी प्रोफाइल है। जब मैं पढ़ रही थी आई वॉज अमेज्ड। आई विल स्टार्ट विद हिज इंट्रोडक्शन। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पाकिस्तान, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम MBA 2001 ग्रेजुएट, UC डेविस USA विजिटिंग प्रोफेसर जीनोमिक्स एंड म्यूटेशन, जीनोमिक्स जीन्स से होगा, जीनोमिक्स and mutation breeding, mashallah, 2007-2008, University of Liverpool, UK, PhD, molecular genetics and stress proceeding. What? Breeding. Breeding. Yeah. Breeding, stress breeding. ये काफ़ी biologically जो है advanced इनका वो है। I'll mention the awards, mashallah, इनके as well. ORS award by the CVCP UK for the years 1997-1999. COTS awarded by the Ministry of Education, Pakistan. UNESCO Fellowship in Biotechnology, Starman Award, sorry, Australian Leadership Award Fellowship, Qaid Azam Gold Medal, and the Best Teacher Award 2013, mashallah. National 7 or International 8 projects jo hain ye complete kar chuke hain. Aur inki countries jis mein inka kaam hai, UK, Australia, Thailand, USA, Germany, Iran, Brazil, Spain, France, Indonesia, Kenya, Saudi, China, Qatar, and Dubai, mashallah. वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, शुक्र है। ये इतना कुछ आपने माशाल्लाह अचीव किया, स्पेशली जेनेटिक्स में, यू नो, बायोटेक्नोलॉजी, सो ये शौक था हमेशा से? वेल यस, यू नो, काइंड ऑफ एक छोटे से गांव से, मैं वहाँ खानेवाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। एक गांव का रहने वाला था।
तो जब यू नो मैट्रिक की तो सोचा गया कि क्या क्या होना चाहिए. मेरे ख्याल जो कन्वेंशनल थिंकिंग से हटके सोचा गया, मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि जी इसको एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं. अच्छा. एंड फ्रॉम देयर यू नो विद हार्ड वर्क और मोटिवेशन और जो स्किल्स थी उसको एनहांस किया और फिर आगे से आगे चलते गए सिलसिला चला और वही करियर बना और उसी में. आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब व्हेन आई वाज रीडिंग दिस तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया सो आई थॉट ऑफ ह्यूमन bio you know engineering or something, but this is more related to agriculture plants and agriculture. That's very very interesting sir. It is. aaj sir hamare yahan par guest hain aur hum ek bahut important topic pe baat karna cha rahe hain, that is aap apne environment ko aap apni society ko zyada secure kaise bana sakte hain aur uske andar aapka kya role hai. to pehle sir agar hum ek bahut hi general se question se start kare ki hamari jo living conditions hain वो कब डेंजरस होती हैं और कब सेफ होती हैं. आप माशाल्लाह यू हैव बीन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री को तो आप क्या कहेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो सेफ बनाते हैं हमारी कंट्री को. डॉक्यूमेंटेशन सबसे एक सेफ तरीका का आ रहा है कि यू नो वेयर एवर यू आर इट इज डॉक्यूमेंटेड. यू आर स्टेइंग इन अ होटल, आप रजिस्टर्ड हैं, आपका यू नो आईडी कार्ड है, आपका लोकेशन आइडेंटिफाइड है. और उसके अलावा जो ओवरऑल मैं देखता हूँ ना, अगर इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करें, वो है द लेवल ऑफ एजुकेशन. और एजुकेशन डज नॉट नेसेसरली मीन के जी यू नो कोई डिग्री होल्डर हो. ये जो आप काम कर रहे हो, जो मीडिया आजकल काम कर रहा है, जो ये भी दिस एजुकेशन. सो ओवरऑल मैं पाकिस्तान में फील करता हूँ और रिसेंट जो यू नो हैपनिंग्स हुई हैं, पर्टिकुलरली यू नो अहमदपुर शर्किया का वाक्या हो गया या किसी वैगर में किसी ने सिलेंडर फट जाता है, किसी ने ये रोज रोज के वाक्या आते हैं. बिल्कुल. और हम इसको यू नो नॉर्मल ले रहे हैं, दीज आर नॉन नॉर्मल. इसकी रीजन ये है कि जी हमें जो सेंस है ना हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, ये लास्ट प्रायोरिटी पे हमने रखी हुई है. और यू नो हमने मेंटली भी और हर इंडिविजुअल इट्स नॉट कि हम किसी को इसमें ब्लेम नहीं कि जी सरकारी इदारे हैं या गैर सरकारी इदारे हैं या सोसाइटी है या सोशल ग्रुप्स हैं. नो इट इज अबाउट यू नो एवरी इंडिविजुअल कि हमारी सेंसेस नहीं है, हम अपने सेंसिटाइज नहीं हो रहे. तो अगर आप एजुकेशन सिस्टम को देखें, हमने एजुकेशन सिस्टम को ए बी सी या अलिफ बे पे से शुरू करते हैं, लेकिन जो जो एडवांस सोसाइटीज हैं वो सिविक सेंस से शुरू करती है. सो ट्रू. कि बच्चों को लेकर जी सड़क कैसे क्रॉस करनी है आपने, फायर ब्रिगेड का क्या फायदा, इसको किस वक्त कॉल करनी है, इन जो 911 का कैसे कॉल करनी है. हाँ. और यू नो इसी तरह के अब जो और जो हमारे भी अगर देखा जाए तो हमें भी एक तो यू नो स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम एंड मीडिया दे टुगेदर प्ले ए रोल जिसमें हम सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसको हम इंश्योर कर सकते हैं. हमारे सेंसेस बढ़ने चाहिए, हम कोई और चीज देखें तो उसको रिपोर्ट करें, कोई चीज यू नो जो अनयूजुअल. इसी तरह फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी देख लें आप. बिल्कुल. फूड सेफ्टी में यू नो हमारे सामने ही सड़क के ऊपर कुछ चीजें तली जा रही होती हैं और हम खा रहे होते हैं. बिल्कुल. तो ये हमारे पास सेंस नहीं है. मक्खियां इसी तरह फिर रही होती है, हम कर रहे होते हैं, हालांकि थोड़ी सी कोई बहुत इसमें जोर भी नहीं लगता. हाँ. और ज्यादा खर्चा भी नहीं है ना. आपकी हाइजीन सिखानी है आपने, सिक्योरिटी सिखानी, अवेयरनेस सिखानी, आपके जो कुछ चंद नंबर है इस तरह के जो बच्चे बच्चे को याद होने चाहिए. आप अगर बाहर कभी आपने ट्रैवल किया हो किसी ने भी, तो आपको उनकी जो मेट्रोज हैं या जो उनकी मेन स्टेशंस हैं उसके ऊपर एक अनाउंसमेंट चल रही होती है कि अगर आपको कोई बैग नजर आता है जिसके आसपास कोई नहीं है तो आप फौरन उसको रिपोर्ट करें. आपको कोई बंदे पे शक है कि दिस पर्सन इज एक्टिंग अ लिटिल फिशी, आप जाके किसी भी ऑफिसर को रिपोर्ट कर दीजिए. ज्यादा ज्यादा क्या होगा, इन्वेस्टिगेट हो जाएगा. यू नो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. तो सर ये 1717 की जो सर्विस है इसके बारे में बताइए, इसका क्या रोल है. सर्विस का तो ये कि ये हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए. यू नो एवरी इंडिविजुअल शुड फील दे आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस. जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पुलिसमैन की है, आर्मी वाले की, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो एक आम सिविलियन शख्स की भी है. ठीक है. तो उसमें जो हमारा ये जो नेशनल एक्शन प्लान बना और उसमें यू नो बहुत सारी चीजें कैटेगराइज की गई, हम इन्हें और मेरा ख्याल है कि वो दैट वाज द राइट टाइम, जिस तरह के हम हालात से गुजर रहे थे और उसको उसी स्ट्रेंथ के साथ लेना चाहिए. उसमें ये सर्विस जो है 1717 की, ये मेरे ख्याल है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है. ठीक है. हमारे यहाँ कई इदारों ने यू नो काफी प्रोग्रेस की है इस सिलसिले में. तो इसमें इसका पॉपुलर होना, इट्स नॉट येट पॉपुलर टू द एक्सटेंट जितना इसको होना चाहिए. और मेरे ख्याल इसमें मीडिया पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, इसमें स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगह पे नंबर डिस्प्ले होने चाहिए कि आप कोई भी अनयूजुअल चीज देखें उसको रिपोर्ट करें. एंड यू नो दीज शुड, और ये इदारे जो है ना, बाज़ कात यू नो उसमें कोई डेंजर नहीं भी होता,
लेकिन इवन देन उसको माइंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अगर 1000 रिपोर्ट्स आपके पास आई है और उसमें से एक भी जेन्युइन है तो इट इज वर्थ इन्वेस्टमेंट के लिए हमने वर्थ। That's so true. आप एक एक जान अगर बचा रहे हैं, एक जान बचा रहे हैं, और प्लीज ये जो है ना थोड़े कोऑपरेटिव होने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा होता है हम गाड़ी बड़े लंबे अरसे के लिए कहीं छोड़ जाते हैं, पार्क करके चले जाते हैं, तो अगर आप वापस आते हैं और आपको नजर आ रहा है कि कोई पुलिस है वहां पर, तो हम बड़ा ऑफेंडेड फील करते हैं। क्यों भाई? आपकी प्रोटेक्शन के लिए, यू नो, यू हैव टू रिपोर्ट इन एवरीथिंग। तो 1717 का एग्जैक्ट रोल क्या है कि कॉल एंड रिस्पॉन्ड यही करते हैं? कॉल एंड रिस्पॉन्स करना, रीच आउट करना, इन्वेस्टिगेट करना, फाइंड आउट करना, और अल्टीमेटली जो अच्छा, और किस तरीके से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल इंसान का देखा जाए तो उसके घर में कोई ना कोई सुबह आता भी है, ठीक है, मतलब दूध वाला आता है, या लोगों के अगर डोमेस्टिक हेल्प देखी जाए तो माली होता है घर में, आपकी डोमेस्टिक हेल्प होती है, अदरवाइज कुक होता है, क्लीनर होता है, स्वीपर होता है, तो इन लोगों को एम्प्लॉय करने से पहले भी कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए? जी बिल्कुल, वही बात वहीं से शुरू होती है कि हमारे सेंसेस ऐसे बढ़ने चाहिए। हाँ। हमें कुछ चीज़ें हम में है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मुस्लिम हमारे में बहुत सारी चीज़ों के, जनाब फलां चीज़ खानी हराम है हम बिल्कुल भी नहीं उस तरफ देखते, बिल्कुल यू नो, आपने वॉशरूम कैसे यूज करना हम बिल्कुल उस तरह करते हैं। तो इसी तरह के ये सेंसेस भी बढ़नी उसी दिस यू नो वही उसी तरीके कार से जरूरी है। ठीक है, आप जिस बंदे से भी इंटरेक्ट करें आपको पता होना चाहिए कि जेन्युइन है। तो आपके पास कोई दूध वाला आता है तो उसका आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, क्या लेकर क्या लेके आ रहा है, अगर उसका शनाख्ती कार्ड देख लिया जाए तो अच्छा, बल्कि देखना चाहिए। लाइक वाइज you know, इसको इंश्योर करना कि आपके पास जो घर में मुलाजम है आपके, कोई आपने सर्वेंट रखा हुआ है, कोई माली है, कोई बेलदार है, इस तरह के जो लोग हैं इनका बाकायदा डॉक्यूमेंट करें, उनकी कॉपी लेके शनाख्ते कार्ड के अपने पास रखें और उसको वेरीफाई करें कि ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। तो इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज इंडिविजुअल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह करके आप अगर कोई यू नो आपकी गाड़ी की फॉर एग्जाम्पल आपने बात की, तो गाड़ी को आपने इंश्योर करना कि ये एक यू नो ये जो जहाँ पे खड़ी है वो सेफ एंड सिक्योर है, और अगर कहीं पे भी आप कोई ऐसी अनयूजुअल चीज देखें, उसकी मोबिलिटी देखें, उसको खास तौर पे यू नो जो नोटिस करके रखें, और किसी ना किसी को बता के जाएं कि जनाब ये गाड़ी खड़ी हुई है और अगर ये कहीं मूव करती है और इस पर आपने ख्याल रखना है। हाँ। तो इसको इंश्योर करना जो है ना, इनडिफरेंटली फील करना, इनडिफरेंटली फील करना। हाँ। और आपको क्या पता, मतलब हो सकता है कि जो आपके घर में लोग हैं, मतलब हम लोगों के घर में पूरी पूरी फैमिलीज रह रही होती हैं जो घर में हेल्प भी कराती हैं एवरीथिंग, आपको क्या पता कि वो किस मकसद से आए हुए, वो दिन में तो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, वो रात को क्या कर रहे हैं? अगर आप एक डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे, आपके पास उनके आईडी कार्ड्स होंगे, सो इवन वो बंदा भी मोहतात हो जाता है कि अगर कल को मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मेरे पकड़े जाने का जो है ज्यादा चांसेस है, मेरे ट्रेस हो सकता है कहाँ से आए हैं, किधर आए, फैमिली ट्रेस हो सकती है, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि वो शहर से बाहर जाने से पहले या कुछ जो है तो या अपना घर किसी को दे जाते हैं या अपनी गाड़ी जो है वो किसी को दे जाते हैं, मतलब कोई जा रहा है अगर सिटी से बाहर जा रहा है तो गाड़ी लेके चला जाएगा, तो इसमें भी कोई प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेनी चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये कर दूं कि गाड़ी जो है वो जो बंदा उसको यूज कर रहा है उसके नाम होने चाहिए, यू नो अदर देन ड्राइवर्स आई मीन। ठीक, सही। फॉर एग्जांपल उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक, सही। फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी है तो अगर मेरे कोई कजन यूज कर रहा है तो उसके नाम होने चाहिए, मेरे नाम नहीं होने चाहिए। सो अगेन कमिंग बैक टू डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और इसी तरह करके जब आपने अव्वल तो गाड़ी ऐसे देनी नहीं चाहिए, अगर दें तो उसको डॉक्यूमेंट कर लें कहीं ना कहीं कि यू नो आई एम डूइंग दिस, राइट इट डाउन, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि जनाब ये इतने दिन के लिए गाड़ी मेरे पास है, इसमें हर्ज कोई नहीं है। सही। इट लुक्स सम टाइम यू नो हमारे जो है ना रवादारी उसमें कहते हैं कोई बात नहीं यार ये क्या कर रहा तू, ऐसे नहीं हो रही मुरव्वत में ना, हम मुरव्वत नहीं होनी इस बात में, कोई मुरव्वत नहीं है, ये जिम्मेदाराना रवैया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब कह रहे फैमिली में भी अगर आपने फैमिली में देनी है, और लाइक वाइज यू नो अगर आपके बच्चे हैं और आप फील कर रहे हो कि यार ये सुबह जाता है रात इतने बजे आता है यहाँ जा रहा है कहाँ, आपको उसको रखना कि ये कहाँ उठता है कहाँ बैठता है, तो ऐसी सोसाइटी तो नहीं है यहाँ पे जा रहा है, और यू नो उसको ये जो हम यू नो कि ठीक है जी ड्राइवर के साथ चला गया, कब आ गया, कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया, तो वो जो यू नो रवैया था ना पेरेंटेज का, तो हमें पेरेंटेज की जो इफेक्टिवनेस है उसको भी एनहांस करना है। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग अंग्रेजों के बारे में कहते हैं बड़े बेमुरव्वत होते हैं, अपने मतलब उनसे कोई चीज मांग लो तो वो आपको मुफ्त में नहीं देंगे, उसके आपको एक प्रॉपर जो है ना डिपॉजिट देना होता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर चीज लिखते हैं वो, तो ये चीजें कभी कभी हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, बड़े मेहमान नवाज है, लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर 10 लोग अच्छे हैं ना उसमें से एक ऐसा हो सकता है जो शायद बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा दे।
तो वहाँ पर ना माइंड करें अगर आपसे कोई साइन करवा रहा है, और खुद अगर आपने करवाने हैं तो ये कान अपने खोल लें, कल को आप ही के लिए सेफ्टी के लिए है, और अगला बंदा ज्यादा से ज्यादा मोहतात हो जाता है। नहीं, आप किसी को जब कहते हैं ना, किसी दोस्त को भी जब गाड़ी दे देते हैं और उसको साथ ये लगा देते हैं कि अब्बा की गाड़ी है, ठीक है, तो ये जो है ना शाम को उधर जानी है, तो ना वो उसमें सिगरेट पिएगा, ठीक है, ना वो कहीं दूर लेकर जाएगा, और ऐसे जैसे लेके जाते उतनी साफ वापस लेके आता है। तो ये थोड़ी सी ना जिम्मेदारी साथ अटैच करना बहुत जरूरी है। इसी तरह इस पर भी बात करेंगे कि जब आप रेंट पे घर दे रहे हैं उसके लिए आपने क्या करना है, कितने अरसे के लिए दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, किसी जानने वाले को दे रहे हैं, इस पर बात करते हैं। जनरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होता है, और आपका जब शनाख्ती कार्ड गुम जाता है और अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं कराते तो कितना नुकसानदेह हो सकता है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, किस तरह सिखाई जाती है, इसका कोई अलग से कोर्स नहीं होता, कहीं आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती, कोई इसकी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, ये आपके अंदर बचपन से आपके सर्कमस्टांसेस और सराउंडिंग्स की वजह से जो है ये चीज़ें आती हैं। सर, अपना एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें, यू हैव लिव्ड अब्रॉड एज वेल। जी बिस्मिल्लाह, मैंने हर क्या कहते हैं सेगमेंट में ग्रो किया, तो हमें जो छोटी छोटी लर्निंग्स है ना, फॉर एग्जांपल रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाना फिर फटाफट उठा के, ये एक फूड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी एलिमेंट था एक जो और अब भी जब बड़े हो जाते हैं तो अब भी ऐसे हम कुछ चीज नीचे गिर जाए ना फूड वाले तो उसको उठाते हैं। वो चीज़ है जो हम बचपन में वो सिविक सेंस डिवेल्प हुई। उसमें मैं खासतौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि जो मॉडर्न यू नो कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज जिसको कहना चाहिए, तो उसमें जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उन्होंने बहुत ध्यान दे के उसको बनाया। मेरे ख्याल में एजुकेशन को हमने समहाउ रिलेट कर लिया कि जनाब जिसके पास डिग्री है वो एजुकेटेड है, बाकी किताबी एजुकेशन नहीं, किताबी एजुकेशन के अलावा भी एजुकेशन है, और ए बी सी और अलिफ बे पे के अलावा भी एजुकेशन है। उसमें सबसे बड़ी एजुकेशन ये है, मैं इंग्लैंड में था तो मेरे बेटे ने वहां से स्कूलिंग शुरू की, सो वहां जब उन्होंने कोई पहले एक साल कोई किताब कोई कायदा कोई कॉपी उनके पास नहीं थी, कलर्स अलबत्ता वो स्कूल में जाके किए जो कुछ था उसके क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव ब्रेन आपका, लेकिन उनका यू नो वीक में कम से कम दो दिन वो उन बच्चों को लेके सड़क पे जाते थे और उनको एजुकेट करते थे कि आपने सड़क कैसे क्रॉस करनी है। फायर ब्रिगेड के ऑफिस लेके जाते थे कि फायर ब्रिगेड वालों का क्या काम है और कैसे उसको कॉल करना चाहिए, कैसे एमरजेंसी को हैंडल करना है। हॉस्पिटल्स में लेके जाते थे कि ये अगर कोई यू नो सिम्टम्स कैसे होते हैं और कैसे आपने उसको बताना है। ये छोटे बच्चों की छोटे बच्चों से शुरू यहाँ से किया। So this is basically education, जिसने उसको एक अच्छा human being बनाना। बिल्कुल। तो जो अच्छा human being बनाने के लिए ये चीजें जरूरी है कि उसके पास वो civil sense हो। So उसको उसने फिर वो हम वापस आगे पाकिस्तान में तो उसने demonstrate किया। अच्छा। There were, you know, quite a few incidents since कि जहाँ पे वो स्कूल में फॉर एग्जाम्पल लेट हो गया, मुझे भूल गया कि उसको पिक करना था, तो ही वॉज एबल टू हैंडल इट इंटेलिजेंटली, ही डिडंट मूव कि जनाब ये सेफ्टी सिक्योरिटी मुझे स्कूल की प्रीमिसेस से बाहर नहीं जाना, आई हैव टू कॉल यू नो सच एंड सच नंबर। उस वक्त सेल फोन भी इतने आम नहीं हुआ करते थे, जाके टीचर को बताना, या यू नो अगर फॉर एग्जाम्पल और ज्यादा देर होगी तो अगर उसने किसी रक्षे वाले से भी करना तो ही मैनेज इट इन ए सेफ वे कि मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और मैंने कैसे मूव करना। और मैं समझता हूँ कि अब माशाल्लाह बड़ा यू नो इज वेरी सक्सेसफुल काइंड ऑफ उसने अपना एक बड़ा ब्रिलियंट है। उसमें जो 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 अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने की चीज़ें आई थी और जो सक्सेस फैक्टर्स थे या जो लीडरशिप थी वो उसके पहले दो साल थे जो उसने उसमें वो बीज जो है वो बिल्कुल बचपन में बोए जाते हैं। बचपन का घर से शुरू होना हाँ। और फिर उसको स्कूल में थोड़ा सा रिफाइन करना एंड देन दे आर रिस्पांसिबल इंडिविजुअल्स ऑलरेडी। आपने बहुत सही बात की, लेकिन एक्सक्यूज में एक और बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो नहीं करे तो बाकी भी ना करें। जो बाकी हैं कोई स्कूल यू नो हायर स्कूल्स हैं और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में भी ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे वो सिविक सेंस जो है वो हाईलाइट हो, क्योंकि बच्चों में जो चीज आती है वो पेरेंट्स में अल्टीमेटली पास ऑन होती है और ओवरऑल सोसाइटी में चली जाती है। चली जाती है, बिल्कुल आप सही, आप नई जनरेशन को ग्रूम कर रहे हैं। जी जी। और अगर बचपन में नहीं हुआ इसका मतलब नहीं जैसे आपने कहा जिसको छोड़ना नहीं कि आगे नहीं करना, आप कॉलेज में हाई स्कूल में यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं इसको जरूर स्टार्ट करें ताकि वो बात पहुंच जाए। इसको प्रायोरिटी बहुत हाई होनी चाहिए, प्रायोरिटी। आपने बात की कि ये जो
ये बात हो रही है लिवरपूल की, जहां पर कंसिडरेबली सेफर एनवायरनमेंट है, तो आप सोचे पाकिस्तान में कितना इंपॉर्टेंट है। एक मुझे किसी मदर की टिप थी, बड़ी अच्छी है, कि यूजुअली मदर्स लेने नहीं जाती या फादर्स जो हैं वो ऑन ड्यूटी होते हैं, तो ड्राइवर्स जाते हैं लेने के लिए, कि अगर घर नज़दीक है तो आपने घर में जो काम कर रहे हैं किसी को भेज दिया, गार्ड को भेज दिया, बच्चे को ले आओ। तो बच्चों में इतनी सेंस पहले तो जब वो छोटे होते नहीं होती कि वो किसके साथ जा रहे हैं। कोई भी आके आपको कह देगा भाई लेने आए हैं, अब तो खैर माशाल्लाह जो प्राइवेट स्कूल्स हैं देर एक्चुअली डूइंग रियली वेल, कि वो आपसे आई डी कार्ड मांगते हैं, वो घर फोन करते हैं पहले कि अच्छा आपने किसी को भेजा है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ रहे जहाँ ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, तो आप अपने बच्चे को एक पासवर्ड सिखाएं, और वो पासवर्ड सिर्फ आपका और जो बंदा लेने जाता है उसके बीच में शेयर होना चाहिए, और बच्चे को पता होना चाहिए। वो कोई छोटा सा पासवर्ड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको सिखा दिया कि कोई भी जो आपको लेने आता है उसको आपने बर्ड जो है ना वो स्पेलिंग बतानी है। तो अगर कोई ऐसा बंदा आएगा जो किडनैपर है या जो आपके घर से रिलेटेड नहीं है, तो जब बच्चा उसे पूछेगा कि व्हाट्स द पासवर्ड, तो उसको नहीं पता होगा, जिससे बच्चे को पता चल जाएगा कि आई एम नॉट सेफ विद हिम। तो ये कितनी छोटी सी बात है, और ये एक मदर की इनोवेशन है, क्योंकि कोई किसी ने सिखाया नहीं है ना, वो कहीं बाहर रह कर आई है, वो यहाँ आई, उन्होंने हालात देखे, उन्होंने अपने बच्चों के साथ ये बात शेयर की, और उनके जितने भी बच्चे हैं माशाल्लाह दे लिव बाय द पासवर्ड, और वो किसी ऐसे बंदे के साथ आई एम सो सॉरी नहीं जाते जो कि वो पासवर्ड ना बता सके। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर डेवलप होती हैं। शनाख्ती कार्ड की मैं बात कर रही थी सर, कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम जाता है तो वो अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करते तो किन किन चीजों में इस्तेमाल हो सकता है जो आपके लिए नुकसानदेह है। जी, पहली बात तो ये कि जो आपने पासवर्ड वाली बात की ना, बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस इन, कि हमने अपनी सेंसेस वो बनानी है कि जी बंदा किसी भी कोई भी काम करने लगे एक दफा कहे कि जनाब इसमें क्या सेफ्टी के क्या सेफ्टी एलिमेंट है। बिल्कुल, शनाख्ती कार्ड अब हमारा आईडी कार्ड हुई ना जो, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और खास तौर पे जो अब ये जो नेशनल एक्शन प्लान के बाद शनाख्ती कार्ड की अहमियत ज्यादा समझा गया और उसका यूजेज और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी एक्सपेंड की गई, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट है, चाहे वो आपने किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे जो स्कैनिंग मशीन्स हैं, चाहे वो आपके मोबाइल के सिम कार्ड्स हैं, उसके लिए उसकी वेरिफिकेशन और बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो शनाख्ती कार्ड आपका जो है ना वो एक आपकी बेसिकली यू आर देयर, आपका शनाख्ती कार्ड दिखा के वो आप बन सकता है, उस पर किसी को पैसे लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया ना इस सिस्टम पे, शनाख्ती कार्ड है तो पर्सन यही है, किसी ऐसी सोसाइटी में दाखिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कोई शख्स भी बगैर शनाख्ती कार्ड दिखाए या स्कैन किए वहाँ एंटर नहीं होता, नहीं हो सकता। अगर मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया तो कोई और शख्स, खुदा ना खास्ता ऐसा एलिमेंट जो ठीक नहीं है, वो उसी शनाख्ती कार्ड को स्कैन कराएगा और अंदर जाएगा, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जो टेररिस्ट एक्टिविटी का डेंजर रहता है, कुछ चोरी चकारी का डर रहता है, और सोशल इवेंट्स का रहता है। तो इसको शनाख्ती कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अनदर थिंग दैट आई कैन ऐड टू दिस इज, कहीं पर अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो वहाँ तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, टॉकिंग अबाउट अ ब्लास्ट और एनीथिंग, तो पीछे अगर आपका आईडी कार्ड मिलता है उस जगह पे तो यू आर ऑटोमेटिकली अंडर सस्पेशन, ठीक है, कि आपका आईडी कार्ड वहाँ क्या कर, बेशक वो गुमा हुआ था, अगर उस पर एफआईआर कटी होगी, अगर वो पता होगा कि दिस हैज बीन लॉस्ट, तो आप भी सेफ रहेंगे। लेकिन अगर नहीं कटी हुई तो यू आर ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व, फिर आप क्या कर सकते हैं। और ख़वातीन के लिए स्पेशली, मतलब हमारे यहाँ क्योंकि पर्दा है और बहुत सारे इलाकों में नकाब होता है, तो वहाँ और कोई मर्द की हिम्मत नहीं होती कि वो आपसे स्कैनिंग पे पूछे कि आप निकाब हटाएं, तो वहां पर खवातीन के लिए स्पेशली हमें लगता है औरतें सेफ हैं, औरतें भी सेफ नहीं है। अगर आपका आईडी कार्ड भी गुम गया वो कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है, वहां पर तो आप चेहरा भी नहीं देख सकते, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर कि ये किस तरह करना है और इमीडिएट रिपोर्ट करना। लाइकवाइज आपके बैंक कार्ड्स हैं, अब बाकी चीजें हैं, उनका भी अल्टीमेटली रिलेशनशिप है और ट्रेस बैक होती है। अच्छा, इसी के साथ आपका मोबाइल फोन का भी इसी तरह ही, अगर आपका गुम हो गया, सिम आपकी गुम हो गई, इसको रिपोर्ट करें फौरी तौर पे या उसको कैंसिल कराएं। अच्छा, हाँ, क्योंकि अदरवाइज वो सिम को यूज करके कोई कुछ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा सर, किसी भी इंसान को जो है आपने अगर अपना मकान किराए पर देना है तो उसकी पहले तो आपने आईडी कार्ड लेके उसकी तस्दीक करनी है और फिर थाने में भी इसका इंदराज करना है, ये क्यों, मतलब थाने में जाने वाला क्या? अब हमारे सामने, हम तो पाकिस्तान जिन हालात से गुजरा है और अभी भी टोटली हम उससे फ्री नहीं है, तो इन हालात में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो बैड एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं तो रहते ही हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं तो मूव करते ही हैं, तो
उसमें आपकी चाहे गाड़ी हो, चाहे आपका शनाख्ती कार्ड हो, चाहे आपका सेल फोन हो, चाहे घर हो, चाहे घर हो, उसमें ये पता होना, और चाहे कोई आपके घर में रहता हो और चाहे आपके पास मुलाजम हो, ये सारी एक ही कैटेगरी में उस बंदे को बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए. बिल्कुल. सो लाइकवाइज जिसको आप मकान दे रहे हैं तो उस मकान में पोटेंशियली कोई भी बंदा अगर वो डॉक्यूमेंट है, इसको ऐसी लापरवाही इसमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. नहीं करनी है लापरवाही, क्या बहुत यू नो प्राइस बड़ी हाई हो सकती है. सो उसको आप बिल्कुल वेरीफाई करें, उसकी शनाख्ती कार्ड की वेरीफिकेशन होनी चाहिए. थाने में अगर आप करेंगे तो रिपोर्ट तो अब उनके पास सिस्टम्स हैं जो शनाख्ती कार्ड से रिलेट कर लेते हैं उसकी ओरिजिनलिटी को. सो यू नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. और जितने जिस टेन्योर के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए आप वो जगह दे रहे हैं तो वो थाने में भी रिपोर्ट अगर हुई होगी तो उन्हें पता होगा ये घर किसके पास था, यहाँ कौन रह रहा है और यहाँ से क्या एक्टिविटी जो है वो होती है. छोटी सी ब्रेक के टाइम में, ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करते हैं. इतनी मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदी. सर हम जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की इस वक्त बात कर रहे हैं, सो एज एन एजुकेशनिस्ट आप ये कहते हैं कि ये बात इंस्टिल आपको एजुकेशन के थ्रू हो सकती है. तो लगता है कि कोई करिकुलम के अंदर चेंज लाना चाहिए? जी बिल्कुल, करिकुलम के अंदर चेंजेस यू नो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन बहुत सारे कर भी रहे हैं. फॉर एग्जांपल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो कर रहे हैं, हाई एंड है. हाँ. नहीं यू नो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी रियलाइज करती हैं कि करिकुलम को करंट होना, हालात के मुताबिक चलाना ये बड़ा नेसेसरी है. जो उस वक्त के प्रॉब्लम्स हैं उनको फैक्टर इन करना करिकुलम के अंदर बड़ा जरूरी है. उसके बाद सोसाइटी नहीं आगे चलती, उसके बाद यू नो प्रोग्रेस नहीं होती. सो यू नो जैसे फॉर एग्जांपल अब एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाए बगैर कोई डिग्री देना ठीक नहीं है. और मे बी यू नो ये इसमें भी कहने में कोई हर्ज नहीं कि जितना हम चाइना के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो हमें चाइनीज को भी किसी न किसी तरह यू नो एक फैसिलिटी क्रिएट जरूर करनी चाहिए. अगर चाइनीज लैंग्वेज सीखना चाहे इनकॉर्पोरेट करें उसको, हाँ, अपडेट उसको करिकुलम का हिस्सा बनाए. हाँ. क्योंकि यू नो आपने जॉब्स अगर करनी, इंटरेक्ट करना है तो लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है. लाइक वाइज ये जो हमारे हालात हैं, आई एम एब्सोल्युटली फुली कन्विंस्ड विद दिस फैक्ट कि हमें बायो सेफ्टी, ओवरऑल सेफ्टी, एक तो बायो सेफ्टी हमारी एक यू नो टर्म है जो बायोलॉजिकल सेफ्टी है, सेफ्टी ओवरऑल. जैसे अहमदपुर शर्किया का जो वाकया हुआ हमारे पास के जी, डेंजरस मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना और उससे केयर करना, और सिक्योरिटी, ये हमारे करंट प्रॉब्लम्स हैं और हमें इसको यू नो किसी ना किसी सूरत करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए. चाहे वो प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स की सूरत में हो, चाहे वो सेमिनार्स में हो, चाहे रेगुलर कोर्सेज हों, ऑप्शनल कोर्सेज हों, इलेक्टिव कोर्सेज हों, स्पेशल वीक्स बनाए जाएं इस पे और स्पेशल यू नो एक्सकर्शन उस पे की जाए उससे रेलेवेंट, उससे कोई सोशल एक्शन प्रोग्राम उस पे तरतीब दिया जाए, लोगों को के पास कोई प्रोजेक्ट्स हों वो सोसाइटी से रिलेटेड. हर बंदा यू नो फाइन, उसने कोई प्रोफेशनल इंजीनियर बनना होगा बनेगा, लेकिन सबसे पहले तो उसने एक अच्छा इंसान बनना, सोसाइटी से अपने आप को रेलेवेंट करना. सो दैट पार्ट यू नो वो जरूरी है कि हम उसको अच्छा इंजीनियर बनाएं, लेकिन अगर वो एक अच्छा यू नो सिविल सोसाइटी का एक मेंबर नहीं बन सकता तो फिर वो अच्छा इंजीनियर होने का उसका कोई फायदा नहीं. सो हमें एसेंशियली अपने करिकुलम के अंदर टॉलरेंस के लिए खास तौर पे कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो यार, यू नो फाइन हो सकता है आपको, आर्गुमेंट से बात करो, किसी को अगर विन करना है तो थ्रू आर्गुमेंट करो, कन्विंस करो और अपने अंदर वो पावर लेके आओ, इंटेलेक्ट बढ़ाओ, इंटेलेक्ट अपना बढ़ाओ, अपने अंदर लीडरशिप बढ़ाओ. तो जो यू नो मेरे ख्याल में ये आपका बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि जो हमें हर इदारे के अंदर इस चीज को काइंड ऑफ कंपलसरी होना चाहिए कि उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग. एक चीज जिससे मैं सर अग्री नहीं करती, जिस तरह आपने कहा ना कि गवर्नमेंट भी इस तरह के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करा रही है, हमारे कोई जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर सारी एक्टिविटीज हैंड्स ऑन होती है. कि बाहर भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह मैं जुवेनाइल सिस्टम की बात कर रही थी कि वहां पर अगर कोई टीनेजर जो 16 साल का है, 15 साल का है, कोई इस तरह की चीज कमिट करता है कि उसने स्कूल की प्रॉपर्टी तोड़ दी तो उसको कोई फिजिकल सजा नहीं होती,
उसको उस प्रॉपर्टी को रिपेयर करने में लगा दिया जाता है, इसको रिपेयर करो, इस जगह की सफाई करो, जैनिटर्स के साथ काम करो, तो उसके अंदर अपना जो उसका एक्शन था उसको उसका कॉन्सिक्वेंस नजर आ जाता है कि मैंने ये किया तो इससे किस किस को नुकसान हुआ, इससे उस इंसान को नुकसान हुआ जो रोज यहाँ पे सफाई करता है, ठीक है, उसके पास जगह नहीं है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए जगह मैंने तोड़ दी है, तो उसके अंदर अगली दफा जब वो करेगा तो उसे पता होगा कि मेरे इससे कॉन्सिक्वेंस क्या है। हमारे यहाँ अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखा रहे हैं ना तो एक चैप्टर डाल देंगे किताब के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि ये जो है आबिद और अली आपस में दोस्त हैं और वो देखें एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं। दिस इज नॉट हाउ यू लर्न, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का कितना ज्यादा रोल है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें अपना जो मेथड ऑफ एजुकेशन उसको थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए, प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा लेके आना चाहिए, केस बेसिस दिखाना और उसको डेमोंस्ट्रेट करना। इसलिए मैंने कहा ना वो सोशल एक्शन प्लान होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल हम अपनी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स रन करते हैं इसी तरह करके, सिटीजनशिप एजुकेशन का पीस इनक्यूबेटर सेंटर हमने बनाया हुआ है, रिलीजियस टॉरस के हमने कोर्सेज दिए हुए हैं। अब मैं रिसेंटली मैंने जो खास तौर पर अभी इससे जो वाकयात हुए हैं हमारे साउथ पंजाब में अहमदपुर शर्किया में, सेफ्टी और सिक्योरिटी से मतलब मैंने डिजाइन करा रहा हूँ कोर्सेज जो अपने हमारे बच्चों को भी पढ़ाएंगे और हम उसको टाइम टू टाइम सिविल सोसाइटी को भी ऑफर करके उसमें बताएंगे, उसमें को मूवीज दिखाएंगे, उसमें इस तरह हम रन करेंगे। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमें इसको नॉट ओनली बुक चैप्टर नहीं होना चाहिए, बुक चैप्टर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कि आप सिलेक्टिवली उसको छोड़ दें, यू नो कि वो आपके कंपलसरी है उसकी, जिस तरह आपने कहा कि यू नो आपको मूवी के उस पे दिखाया जा रहा है, थिएटर हो रहा है उसके अंदर, यू आर इन्वॉल्वड एंड यू नो योर कॉन्सिक्वेंसेस। थैंक यू जी जी सर। मैं सर ये बात करना चाहता हूं कि उसमें हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम जो स्टूडेंट्स अपना ग्रुप बना के दे गो एंड फाइंड एन एक्चुअल प्रॉब्लम इन दिस सोसाइटी एंड दे ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, तो इस तरह वो उनकी जो ट्रेनिंग होगी तो वो उसका उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेगी। बहुत खुशी होती है इस तरह के इनिशिएटिव्स जब लिए जाते हैं, ये सब चीजें अल्टीमेटली फॉर द बेटरमेंट ऑफ वही सोसाइटी हैं जिसमें हम रह रहे हैं। एक दफा मैं दोबारा जो है रिपीट कर देती हूँ जो जो मैंने आपको बात की वो एक समराइज करके, कि अपने इर्द गिर्द किसी भी किस्म की मशकूक हरकत या शख्स की निशानदेही करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, फौरन 1717 पर इत्तला दें और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ मजबूत करें। किसी भी फर्द को गाड़ी किराए पर देने से पहले इसकी अच्छी तरह छानबीन कर लें, कौमी शनाख्ती कार्ड के बगैर हर गेज गाड़ी किराए पर ना दें। इसी तरह किसी भी फर्द को मकान किराए पर देने से पहले इस फर्द की तस्दीक कर लें और मुतल्लिका थाने में इसका इंदराज जरूर करवाएं। याद रहे हमारा जिम्मेदाराना रवैया पाकिस्तान में अमन की जमानत है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर, और जो आज हमने आपको मैसेज दिया है होप आपको समझ आया होगा, आपने अपने पले बांधा होगा। मुरव्वत की मार मत खाइए, सही जगह पे मुरव्वत दिखाइए, वैसे अपने आप को सेफ रखें, अपने मुल्क को सेफ रखें, यही आज का पैगाम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैं इकती मॉर्निंग। अल्लाह ताला आप सबको हमारे इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।